मैच एमपी 11 और चेयरमैन 11 का है, वार्ड नंबर 1 का मैच आज शायद नहीं है या अभी नहीं है। इमरान भाई साहब कमेटी बस में आ रहे हैं, मुझे पता लगा जी माशाल्लाह से सरदार साहब की इस मैच में जो एमपी 11 मास्टर चेयरमैन 11 हो रहा है, बड़ी गल है, वो इसमें खेल रहे हैं, तो मुझे इशारा कीजिएगा कि वो किस टीम में खेल रहे हैं, यानी असी कीपर ही आज भी इशारा कीजिएगा। अगर आप अगर आप अपना बायां हाथ उठाएंगे तो वो एमपीए 11 की तरफ से खेलेंगे, अगर आप अपना बायां हाथ उठाएंगे नहीं जी चेयरमैन की तरफ से। अगर आप नमस्कार, नवाज शरीफ स्टेडियम में ये मैच हो रहा है। अच्छा नहीं मोबाइल बंद है जी, लिहाज साहब मोबाइल बंद है तो देखो मेरे साजी बजे शादी तो देखो की हो गया जी चौधरी आबद अली मेरे साथ हैं इस वक्त मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, ये इवेंट हो रहा है, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? ये बड़ा अच्छा इवेंट हो रहा है, काफी अर्से के बाद हमने जब ये क्रिकेट छोड़ी है 1990 के बाद ये पहली दफा देखा है, हम खेल रहे आए हैं और शुक्रगुजार हैं बाबा खालस मक्की मदनी साहब के, जिन्होंने इतना बड़ा इवेंट कराया, दुआ है अल्लाह ताला इस इवेंट को कामयाब कराए। और दस्का की आवाम के लिए कुछ कहना चाहें ये पॉजिटिव एक्टिविटी के बारे में? दस्का की आवाम के लिए बहुत अच्छा ही है, मैच स्टार्ट किया गया है, वो पहले कभी देखने में नहीं आया, तो उम्मीद है कि सारे बहुत ज्यादा। अभी आप एमपी 11 से हैं या चेयरमैन 11 से? मैं चेयरमैन 11 से। अच्छा अच्छा, तो एज ए बैट्समैन है, यानी पुराना अपना स्विंग दिखाएंगे हमें? बैट्समैन और विकेट कीपर दोनों। अच्छा अच्छा, इसका मैं बैटिंग में अपना पुराना जो किरदार है जैसे पहले खेल रहे थे वैसे ही हमें दिखाएंगे इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक सर। जितने भी हमारे मौजूद इक्कीस काउंसलर्स में जनाब चौधरी कासम अल्फाम कासम साई यूथ राणा मुश्ताक साहब और दीगर जितने भी हमारे व्यूअर्स डस्का के यूथ काउंसलर शेख शाजिब रहमतुल्लाह साहब मेरे साथ हैं, मैं उनसे भी पूछूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर क्या कहेंगे आज के इवेंट के वाले से? माशाल्लाह आज का इवेंट जी बहुत अच्छा है, ये हमारे लिए बहुत देर बाद काफी सालों बाद इस तरह का इवेंट हुआ है डस्का में। क्या कहेंगे यूथ को, क्या होना चाहिए, क्या करेंगे आप यूथ के लिए? आप यूथ काउंसलर हैं, उनके नुमाइंदे हैं, आप क्या कहेंगे यूथ के लिए? देखें जी यूथ के लिए होना चाहिए, स्पेशली यूथ जो है हमारी बस आजकल जो है कंप्यूटर और मोबाइलों पे है, उससे छुटकारा पाने के लिए हमने इवेंट रखा है अपने सिटी में कि सारी जो है ना यूथ एक्टिविटी स्पोर्ट्स करें इस तरह की जो होनी चाहिए। तो किसको क्रेडिट देंगे आज के इवेंट का? ये सारा क्रेडिट जो है हमारी बल्दिया डस्का को और हमारे जो है जो अलहाज बाबा जी हालत में हूद मक्की मदनी उनके जो है ना अंडर हो रहा है सारा, और माशाल्लाह इसका जो इनाम आपकी बरसात है जो फाइनल इसके लिए पूरी टीम के लिए मोटरसाइकिल जो है ना रखी गई है हर प्लेयर्स को मिलेगी। ठीक है, तो आप किस वार्ड को नुमाइंदगी कर रहे हैं? मैं वैसे तो ओवरऑल पूरे सिटी का हूँ काउंसलर श्री डस्का का, वैसे मैं नुमाइंदगी वार्ड नंबर 4 की कर रहा हूँ। वार्ड नंबर 4, उसमें खेलेंगे भी आप? जी मैं उसमें नहीं खेलूंगा, नहीं दूसरी टीम है, वैसे मैं चेयरमैन 11 की तरफ से
खेल रहा हूँ आज। इस वक्त आज खेल रहे हैं। चलें सर, बेस्ट ऑफ लक सर। जी सर, बहुत शुक्रिया जी। माशाल्लाह जी, हम मशगूल हैं जी बहुत तहे दिल से। मैं डस्का की आवाम की नुमाइंदगी करते हुए जना व्यूअर्स, चेयरमैन 11 आ गई है। MP 11 ने स्टार जीता था। चेयरमैन 11 बैटिंग फील्डिंग के लिए रेडी है। कंपनी जनाब म्यूनिसिपल कमेटी डस्का के चेयरमैन और खुशी तौर पर मोहतरम अलहाज बाबा जी खालिद महमूद वकीम अजीज साहब, जो डस्का की शान है, डस्का की आन है, अल्लाह उनसे निकालना दे, उनका उनके तमाम दोस्तों का, हमारे स्पॉन्सर साहबान का और हमारी जिन वार्डों में फोकस पर्सन है उनका, MPA डस्का का और तमाम यंग की तमाम टीम का, बल्दिया डस्का की तमाम टीम का, फुलके मफदी फाउंडेशन की तमाम टीम का मैं मशगूल हूँ, जिन्होंने ये गोलमेंट DPL डस्का पहला जो टूर्नामेंट है ये लगाया गया, जिसमें पहला इनाम दी जीतने वाली टीम को 11 मोटरसाइकिलें दी जाएंगी, जबकि सेकंड इनाम जो है वो 1,00,000 रुपए, इसके अलावा दीगर इनाम। जनाब हम मशगूल हैं जी, अय्यूब भट्ट साहब हैं वो मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। सबसे पहले तो उमरा की मुबारक हो, बहुत बहुत ही डस्का टीम की तरफ से। तो आज के इवेंट के बारे में क्या कहेंगे आप? माशाल्लाह के फजल से जो पहले प्रोग्राम बनाया है वो बहुत अच्छा है, इसमें आवाम को रिलेशन मिलेगी, होनहार होंगे, मनशात से महफूज रहेंगे। अल्लाह के फजल से ये नसर जो है हमारी मुस्तकबिल की उम्मीद है, बेहतर मुझे उम्मीद पैदा होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो क्या कहेंगे आज की टीम, आप किसके साथ हैं ये इस मैच में? MPL है मेरा चेयरमैन है। ये तो दोस्तों मैच है, जो भी जीतेगा वो हमारा है। नहीं, कोई एक तो आपने रखा होगा ना, जैसे मैंने चेयरमैन लेवल रखी हुई है। आपकी भी तो कोई लेवल होगी। हमारा बेटा नहीं, MPA भी हमारे अपने, लेकिन ये जो अंदर मैच हो रहा है उसमें तो मैच बेहतर आएगा। अच्छा अच्छा, चले ठीक है सर। परसों बाद 20 साल के बाद डस्का की आवाम एक नस्ल का गैप। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा माहौल इधर बना हुआ है। दोस्ताना अंदाज से सब बातें कर रहे हैं, मिल रहे हैं दोस्ताना। मैच शुरू होने वाला है। चेयरमैन 11 बॉलिंग कराएगी और MPA 11 बैटिंग करेगी। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं क्लोज करके दिखाऊं, लेकिन चूंकि मैच हो रहा है मैं उनको भी डिस्टर्ब नहीं करना। स्टेडियम के चारों तरफ लोगों का हजूम, खचा खचा आवाम, स्टेडियम भरा हुआ आवाम के साथ, तमाशाइयों के साथ और क्रिकेट से खुद को वो महसूस। जी GPL की जो थ्योरी है, मैच शुरू करवाना है जी, जो करना है जी, माशाल्लाह से देख कर जी। जो ही बकायदा मैच शुरू होता है मैं आपको वो मैच दिखाता हूँ, तब तक के लिए मैं थोड़ा सा व्यूअर्स दिखाऊँ जो इधर स्टेडियम में इस वक्त जमा है। चेयरमैन लेमन है, दोनों टीमें ग्राउंड में मौजूद, टॉस हो चुका, कुछ ही देर में मैच का बकायदा आगाज। चेयरमैन लेमन सर, मेरी अपनी जेबियां भरिया ने फुल। अच्छा जावगा तो फिर क्या है पिछे हो गए तेरे ना, अगे आ गए इधर आ। सेल्फी हम जी बनाई है जी, सही है जी, सेल्फी ले लाइव सेल्फ। मैं नीमा
ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਉੱਚਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਗਲਾਈ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਉੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਹਨੇਰੇ ਹੋ ਹਨੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਾਰ ਨੰਬਰ ਫਿਰ ਮੈਚ ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਚ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਤਾ ਹੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਮੇ ਸਾਰੀ ਤੋਂ ਵਹਾਂ ਪੇ ਹਮਾਰੀ ਇੱਕ ਬਹਿਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਲੀਏ ਨਾਰਾ ਲਗਾਇਆ ਤੋ ਮੈਨੇ 300 ਕੇ ਮਜਮੇ ਮੇ ਅਕੇਲੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੀਆ ਸਰ ਮੇਰਾ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਆਪਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਕਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲੀ ਪਲੇ ਬਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਨ ਨੇ ਜੀ ਅਹਿਮਦ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਮੈਂਟ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਹਲੇ ਵੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਅਮੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਲਿਆਸ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਗਰਾਊਂਡ ਪੇ ਲੈ ਜਾਏ ਸਾਹਿਬ जिससे मुझे आगा शहर साहब आ रहे हैं आगा साहब ये ग्राउंड पे जाए मुझे नाम बताए जरा क्या वो चलो चलो साहब और को थर्ड मैन कोई भी नहीं रहा श्री है मैदान पे एक्स-एमपीए मंचोरी मुमताज अली हैं कीपिंग ए फ्राइज गुलवाज या गुलवाज के भाई उस्मान गुलवाज कौन सा कर रहे हैं जो के पहली प्ले बॉल हो रही है जो भी कैच पकड़ेगा वो गेंद अपने पास रखे यही गई है थर्ड मैन की तरफ इनाम दिया जाएगा इस हफ्ते में एक स्कोर लग गया चौधरी अबद अली अब खेलेंगे समील अला मल्ली बाल करा रहे हैं और चौधरी अबद अली ने कवर ड्राइव किया और ये चार रन बहुत अच्छा कवर ड्राइव अपने सबका माहौल के मुताबिक ये इनकी एक फ्लिक शॉट है और एक कवर ड्राइव फेवरेट शॉट है चार रन किए उनका नाम कमेंट बॉक्स में नहीं है तो इसलिए हम चाहेंगे उनका नाम हमें समी अल मल्ली दोबारा आए और ये उन्होंने चौधरी मुमताज अली ने फील्डिंग की है चौधरी मंशूर साहब समी अली वकील दोस्त का सामना करते हुए और ये कोई है कीपर से के क्या ड्रॉप हो गया थर्ड मैन की तरफ गया पीछे की तरफ खेल एक रन का इजाफा दोनों की मुकदमा मैच बड़ा लास्ट डस्क का आवाज के सामने जारी फेसबुक के ऊपर ई डस्क का पेज जिसके ऊपर ये लाइव कवरेज जारी है साहिब बरादरी का शुक्रिया जो यहाँ पर तशरीफ लाए शॉट बहुत अच्छी शॉट लगाई और ये सिक्स रन है बहुत अच्छी शॉट लगाई है इन्होंने और ये टूर्नामेंट का पहला सिक्स समी अल्लाह मल्ली को ये इस बॉल पे छक्का लगाया है बहुत ही अच्छा मैच इस वक्त और ये बड़ी ऊंची बॉल गई है और कीपर ट्राई कर रहे हैं लेकिन कोई कैच नहीं पकड़ सका ड्रॉप हो गया कैच बड़ा हाइट पे कैच था बड़ी कोशिश की बॉलर ने मोबाइल से हाथ धो पड़े समी अल्लाह मल्ली अगर ये कैच पकड़ दे पहले ओवर का इख्तिताम 9 रन का इजाफा ਹੈਲੋ
मदद किया भी है। सॉरी हमारे स्कोरर को गलती लगी है जनाब, हम चेक स्कोर बता देते हैं। एमपी साहब एक चार था, एक सिक्स है, दो सिंगल है, 12 स्कोर कर गया, 13 स्कोर, 1-3, 30 स्कोर है। ठीक है, एक ओवर की खिताब पर एमपी 11 का बढ़ता हुआ स्कोर 13। चेयरमैन बल्दिया बैटिंग करते हुए सामना करेंगे उस्मान खालिद। ये वाइट बॉल, वाइट बॉल गई है व्यूअर, एक नहीं नहीं अच्छा उस्मान साहब खेल रहे हैं, ठीक सही 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 सही, सही। ये उस्मान खालिद साहब खेल रहे हैं माशाल्लाह, बड़ा अच्छा सिक्स लगाया था इन्होंने, वेरी गुड, बहुत अच्छा मिड विकेट की तरफ उन्होंने खींचा है और एक रन का इजाफा है। इस ग्राउंड पे अगर 6 ओवर है तो उसके लिए कम से कम 100 रन का इजाफा होगा, हरीफ मजबूत हो सकता है, इसलिए 100 रन का। आबद अली चोरी, आबद अली और उस्मान खालिद साहब फेस कर रहे हैं, ये स्लो बॉल ड्रीवरी दी है लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी लॉन्ग लेग पिक की तरफ खेला है। एम पी 11 की तरफ से ये साहबजादा उस्मान खालिद साहब हैं, खेलने के लिए फिजिक नहीं बल्कि जज्बात हुआ करते हैं। बड़ी अच्छी बॉल लेकिन वाइड हो गई शायद, अंपायर का वाइड का इशारा, जिंदगी के हर मैदान में जज्बात खड़ा करते हैं, जज्बातों के साथ और वाइड बॉल हुआ है, जोश के साथ जंग जीती जाती है, चाहे वो मैदान हो या कोई और मौका। उस्मान खालिद साहब को स्लो डिलीवरी करा के तो उनको बीट किया है उस्मान खालिद साहब को। बहुत ही अच्छा मैच नवाज शरीफ स्टेडियम में जारी, बॉलर की बॉल और ये बड़ी बुरी तरह बीट की है स्लो बॉल करके, इस वक्त हम एक एक डॉट बॉल जो है वो स्कोर कम करती जाएगी। बहुत ही अच्छा मैच जा रही लेकिन आपको कोऑर्डिनेट जो है वो मुझसे करना होगा। ओके ओके, कॉल कर लेना भाई। दूसरा ओवर जारी, चेयरमैन लेवल बॉलिंग करते हुए सामना करेंगे उस्मान खालिद, देख के उन्होंने रुके गलगाई है शॉट और दो एक स्कोर ही बने, जफर डार साहब ने फील्डिंग की है, इस तरह ये वाटर को पकड़ते हैं, इसी तरह ये बॉल को भी पकड़ लेते हैं, आखिरी बॉल है शायद, इसके बाद मैं व्यूअर्स आपको हाजी अरफ महमूद बाजवा साहब से उनके व्यूज लूंगा। बड़ी अच्छी शॉट लगाई है और सिंगल ही मिलेगी, इसके साथ ही मेरा हल ओवर है, ओवर हो गया है और मैं हाजी आरम महमूद बाजवा साहब से एक मिनट में। अस्सलाम वालेकुम बाजवा साहब जी, वालेकुम सलाम, क्या हाल है, ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। क्या कहेंगे इस इवेंट के बारे में आप? माशाल्लाह मैं जी मुबारकबाद पेश करता हूँ दस्का वालों को, इतना अच्छा अच्छी ग्राउंड में अच्छा मैच खेला जा रहा है और इस आज जो मैच खेला जा रहा है वो फर्स्ट मैच है एमपी 11 का और चेयरमैन 11 का, तो इंशाल्लाह मैं भी एमपी 11 में खेल रहा हूँ, तो इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। ये दूसरा ओवर है तो अल्लाह की मदद से मैच हम जीतेंगे। इस इवेंट का क्रेडिट आप किसको देंगे? इंशाल्लाह जी ये हमारे मोहतरम बुजुर्ग बाबा जी खालिद महमूद मक्की मदनी साहब हैं जी, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, जिन्होंने डस्का की वाम के लिए नहीं बल्कि तहसील डस्का के लिए इतना अच्छा रेंज किया है कि मेरे ख्याल में मेरी जिंदगी में इतना अच्छा रेंज कभी नहीं किसी ने। चलें ठीक है, ओवर के बाद में आपसे बात करता हूं। चौधरी आबद अली ने शॉट लगाई है मिड ऑफ की तरफ और एक रंग नहीं मिला है, ये मैच नवाज शरीफ स्टेडियम में हो रहा है दस्का बॉल और बड़ी ऊंची शॉट लगाई है और ये सिक्स और ये उस्मान खालिद साहब का बहुत लंबा छक्का उन्होंने लगाया है। उस्मान खालिद साहब का बहुत अच्छा छक्का, तकरीबन पिछले ओवर में भी नहीं था देखने में आया कि ये पहले 6 किया इन्होंने खाया, फिर 4 रन खाए, 13 टोटल इन्होंने खाया था, उसके बाद फिर ये इस वक्त परेशान दिखाई दे रही है। समील है मल्ली है उनको और ये वाइट बॉल होगी, लेग स्टंप की तरफ गई है, वाइट बॉल है और साथ में भाई का एक रन मिला है, बॉलर के साथ बात करें वाइट का इशारा बल्दिया 11 फील्ड में मुकाबला करते हुए।
डस्का की फील्ड में भी और स्कोर प्लीज स्कोर 27 बहुत अच्छी पुल करने की कोशिश की लेकिन लेकिन नाकाम रहे पुल करने में ऐसे स्कोर नहीं मिला करते यहाँ पर स्कोर मौजूद है वो जो लिखेंगे वो जो मुझे बताएंगे यहाँ पर लिखिए गए बहुत अच्छी अच्छा बीट हुआ है बाजवा साहब ये स्कोर लिखा जा रहा है आप ऐसा करें नहीं तो किसी दोस्त को यहाँ पुल करके बिठा दे हमारे पास कि वो स्कोर लिखे जाए वो कितने मिले समीउल्लाह मल्ली तीसरा ओवर करते हुए चेयरमैन लेवन की जानब से 28 समीउल्लाह मल्ली आए बहुत अच्छी ड्राइव की है दास साहब का ध्यान किसी और पर था और ये चार रन हो गए स्ट्रेट ड्राइव गए जफर भट्ट साहब फील्डर थे जिनकी तवज्जो इधर नहीं थी गुड शॉट बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेट ड्राइव चौधरी आबद अली की तरफ से आधे ओवर हो गए हैं ओपनिंग बैट्समैन अभी खेल रहे हैं इसके बाद दो मैच और भी हैं एक बॉल सी का है एक तीसरा मैच और भी है जो वार्ड 24 और 27 के दरमियान उसके बाद दो है और उसके बाद 23 मार्च जो है और वापस में दोनों मध्य मुकाबले होंगे और ये बहुत अच्छी शॉट लगाई है थर्ड मैन की तरफ गई है और ये फील्ड करके और सिंगल आ गया इसका फील्ड एक मिनट के लिए 33 साहब गोड जी माशाल्लाह बहुत पुरानी याद आ रहा है तीन ओवर इख्तिताम हो चुके उनका तीन ओवर खत्म अभी अभी एक अनाउंसमेंट आई है अगर उस्मान खालिद साहब एक छक्का लगाएंगे तो गुरफाम साई जनरल काउंसलर वार्ड नंबर 25 उनकी तरफ से 5,000 रुपया अगर उस्मान खालिद साहब एक छक्का लगाएंगे तो गुरफाम साई साहब की जानिब से 5,000 रुपया सभी लोगों ने डायरेक्शन देते हुए सबका एमपीए चौधरी मुमताज मुमताज अली बॉलर हैं सबका एमपी है और चौधरी आबद अली बैट्समैन है चौधरी आबद को बड़ी अच्छी बॉल की है बहुत अच्छी बॉल आई है पूरी हाइट पे दोनों भाई आमने सामने ये खेल है यहाँ पर खेल होगा लेकिन इज्जत हमेशा बड़ों की जाती है खेल की मैदान में जज्बात जो अच्छा खेल पेश करता है वही सुल्तान होता है लेकिन भाई कार की तहलीस में है बहुत अच्छा कवर ड्राइव है और जो बड़ी अच्छी फील्डिंग सलमान असलम की बड़ी अच्छी फील्ड दाएं बाजू के बैट्समैन ने अच्छे तरीके से स्ट्रोक को निकाला इसको गेंद तोड़ने की ज्यादा ताकत थी फील्डिंग में नकाब लेकिन फिर भी एक रन सिंगल ये एमपीए 11 और चेयरमैन बल्दिया डस्का लेमन का नुमाइशी मैच हो रहा है ये सुमान खालिद साहब हैं बाबा जी के बेटे बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं अभी से और ये अभी बीट हुए हैं और ये वाइट बॉल दी एम्पायर ने खेल खेल होता है खेल पे जोश और जज्बात होते हैं अगर उस्मान साहब एक छक्का लगाते हैं तो चौधरी गुरफाम साई जनरल काउंसलर वार्ड नंबर 25 उनकी जानिब से 5,000 रुपया इनाम लिया जाएगा अगर उस्मान खालिद साहब एक छक्का
जीत का चेहरा किसके साथ जा रहा है? आज जीत का था वो ही सुल्तान। कौन कौन पहनेगा, कौन बनेगा सुल्तान? जीत किसका मुकद्दर होगी आज का? कौन बनेगा सिकंदर? अभी कहना कबल वक्त होगा। चेयरमैन बल्दिया और एमपी 11 आपस में पहले गुफ्तगू। खेल जारी, चौथे ओवर का खेल जारी है। अपने नाजिन को बताते चले ये मैच ये ऊपर में लाइव दिखाया जा रहा है। दर्शक की आवाम अपने मोशनों का मैच देखते हुए, दर्शक की तारीख का ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट, सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़ा स्टेडियम, सबसे फेसबुक पे पेज है ई डस्का के नाम पे, उस पे डीपीएल के सारे मैचेस लाइव दिखाए जाएंगे और डीपीएल के नाम पे भी एक पेज बना हुआ है। अमर साहब इसके साथ और भी एक ऐलान किया गया था, रियाज फूल की तरफ से जो जूरी के मेंबर हैं उन्होंने ये ऐलान किया था कि जो भी बाहर जो ग्राउंड है इसके बाहर जो भी गेंद आएगा जो तमाशे इसको पकड़ेंगे वो अपने पास रखें, उन्हें जूरी की तरफ से तनावी की तरफ से भगवान का इनाम घोषित किया जाए। जी बिल्कुल, लेकिन सिंपल है वो पैटी 1200 का मोबाइल हो तो 100 रुपये की सिम मेरा ख्याल है पानी दे योग ओके पी के मैं देना आई सब और लिया जे बाहर जाओ बाहर जाओ नहीं देंगे ग्राउंड में कौन सा शोर शर्मा है वक्त के लिए ईवानों में बोलने वाले आज खेल के ग्राउंड में कौन से मसाइल है जो हम नहीं कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा मैच नवाज शरीफ स्टेडियम में जारी। नवाज शाहिद से मैच नवाज शरीफ स्टेडियम में नवाज शरीफ के काउंसलर उनका एमपीए आपस में चेयरमैन भर दिया आपस में खेलते हुए ये भी हुस्न है ये भी जमहूरियत है खेल खेल है शरीफ है। अहमद भाई ये पॉलिटिक्स नहीं है ये ग्राउंड में क्रिकेट सब टीमों के लिए कैसी है सियासत नहीं लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा तड़का लगे चाहे वो पीटीए से हो कोई भी हो सकता है कोई भी हो सकता है लेकिन चूंकि मैच है इसमें हर तरह की बात होनी चाहिए। नुमाइंदगी वो चेयरमैन 11 के नाम से कर रहे हैं चेयरमैन बल्दिया बाउंड्री से थोड़ा पीछे आ जाए की नुमाइंदगी करते हुए एमपी 11 के नाम से दोबारा खेल शुरू हो रहा है। चोरी मुमताज अली बॉलिंग कराएंगे और उस्मान खालिद साहब वो बैटिंग कर रहे हैं बॉल कराई है और रिलैक्स टाइम की तरफ वाइट बॉल होगा ये अंपायर का इशारा दिखता होगा ये वाइट बॉल है स्कोर नहीं बना लेकिन वाइट बॉल स्कोर पे इजाफा एक रन का। मुमताज आए बॉल कराई और उन्होंने नेक्स्ट टाइम की तरफ खेल दिया फ्लिक कर दिया और ये फोर रन बहुत अच्छा उस्मान खालिद साहब का चौका। अगर उस्मान खालिद साहब या चेयरमैन साहब या एमपी साहब इन तीनों में से जो कोई भी छक्का लगाएगा तो उनकी तरफ से 5000 रुपया दिया जाएगा। जनाब चोरी गुरपाल कासिम साई साहब जनरल कौंसलर 25 स्कोर 4 रन के बाद 42 से बचाता है। सबका एमपी अपनी बॉलिंग के इख्तिताम की जानिब अभी 3 बाकी 2 वाइट इस पे टोटल में 5 गेंद निकलवा चुके लेकिन 2 वाइट होने के बावजूद उनकी 3 गेंदें बाकी। तमाशाई खुद को क्रिकेट से महसूस करते हुए स्टेडियम खचाखच भरा हुआ कंप्लीटली बीट हो गए हैं। बहुत ही अच्छा ओवर अभी 2 बॉल बाकी 2 गेंदें अभी बाकी हैं शोर की। अंपायर से गुजारिश है कि मैच को रोका ना जाए प्लीज क्योंकि इसके बाद भी 3 मैचेस हो रहे हैं अभी 2 मैचेस हैं इसके बाद 3 नहीं है। तमाशे से गुजारिश है यार प्लीज बाउंड्री से थोड़ा पीछे हो जाए आपसे रिक्वेस्ट है जनाब। बहुत बढ़िया मैच चोरी मुमताज अली फिर बाल करवा रहे हैं बहुत बड़ी क्राउड और बहुत बड़ी खेलने वाले स्टार चोरी मुमताज आए और लेग स्टंप की तरह ये भी वाइट बॉल है मुसलसल तीसरा ओवर में तीसरा वाइड है ये बैट्समैन का कैमरा मैन लूज किया जा रहा है वाइड के अच्छी साजिश है इनकी 43 स्कोर
और बहुत अच्छा मैदान की तरफ खेला है और जफरदार साहब चेयरमैन साहब और जफरदार साहब हो रहे और ये ओवर थ्रो का एक और स्कोर होगा। अभी तक बहुत अच्छी विकेट कीपिंग करते हुए दो स्कोर हालिया दौरे में साउथ अफ्रीका आखिरी बार सिलेक्ट होकर वापस आए हैं। ईपीएल की मसरूफियत की वजह से ये फायर मैचेस खेल रहे हैं। चार तो वाइड थे इस ओवर में, अभी एक बॉल रहती है, लास्ट बॉल था। स्कोर मेरे पास मौजूद, बुक के ऊपर एक एक चीज, एक एक स्कोर, एक एक वाइड पास की जा रही है। चोर साहब आउट का रन भी रखे, आउट का रन भी रखे आज। अच्छा आउट नहीं करना, बीट ही करना। अभी तक बल्दिया 11 एक भी विकेट लेने में नाकाम। 45 स्कोर, चार ओवर का खत्म, चार ओवर तक की बात है। जो है चीमा साहब को ग्राउंड में उनको शाम भी कहते हैं। ओकर साहब ये जरा नोट कर लें, जो अभी मेरा ख्याल है आबद साहब के आने के बाद जो खिलाड़ी गेम का नाम क्या है, नाम बताएं प्लीज खिलाड़ी का। स्लो बॉल और बड़ा ऊंचा और ये चार रन, समान हाले की ने चार रन का इजाफा किया है। अब आपकी भरपूर फरमाइश है कि चेयरमैन साहब ये ओवर करवाएं। बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आई है ओवर साहब, ये अनाउंसमेंट सुन ले। गली नंबर जो 8 नंबर चुंगी है, वहां से जो चपली कबाब वाले हैं खान साहब, उनका ये ऐलान है कि चेयरमैन बल्दिया डस्का जो भी उड़ता हवा में गेंद उसको कैच करेंगे उनके लिए 5,000 का। और ये सिक्स, और ये सिक्स है सलमान खाला साहब ने सिक्स मारे हैं। हवाओं को छूता हुआ मार का उत्तर बाप का सरदाई साहब जहां भी है पंट्री बॉक्स में हमसे रहता के छह रन का इजाफा, 5,000 हो गए। कैशियर खड़े हैं इधर उनके आतंकवाद के रूप में। बहुत बढ़िया शॉट, गेंद ब्रॉडलैंड क्रॉस करने में जरा भी हिचकिचाया नहीं, बहुत दूर जाकर गिरा। जब चोट लगेगी मेरे ख्याल में ये ग्राउंड में जा रहे हैं तमाशाई, तालियां भाई तालियां। 5,000 रुपया ₹5,000 इनाम था। शाहजादा उस्मान 5,000 रुपया नाम मिला, इनाम इनाम होता है 5,000 रुपया इनाम, एक छक्का में बॉलर बिल्कुल तैयार आते हुए। और ये एक और छक्का, और एक और छक्का खालिद साहब की तरफ से, एक और छक्का है। साहबजादा साहब के लिए इनामों की बरसात, खुद इनाम वसूल करते हुए। दूसरा छक्का इस ओवर की दूसरी गेंद पर, गेंद बॉडीलाइन क्रॉस कर गया। मुझे लगता है कि गुलफाम सही साहब को ओवर 30,000 पे पड़ता है। तीन बाले हुई चौथे ओवर की, तीन बाले तीन गेंदें हुई अभी चौथे ओवर की। और एमपी 11 की तरफ से जयदान अंसर जहां नहीं दिया वो स्टेज पे आ गया। तीन तीन गेंदों के ऊपर दो छक्के गुलफाम साहब की जानब से, ये दूसरा 5,000 जी अंपायर साहब।
61 एक वाइड बॉल है, एक रन का इजाफा, जीत किसी की भी हो, जीत किसी की हो, हम खेल से प्यार करते हैं, जीत सिर्फ क्रिकेट की हो, क्रिकेट की जीत होगी और जो भी जीतेगा वो हीरो होगा, और तुम जीतो या हारो सुनो हमें तुमसे प्यार है, दसका की आवाम क्रिकेट से मोहब्बत करती है। आए बॉल की और ये एक दफा बहुत ऊपर शॉट और चार रन, चार रन, बहुत अच्छा चौका, MP11 जोरों के साथ खेलती हुई अपने जोरे बाजू के साथ मध्य मैदान शाहजादा उस्मान खालन आए कंप्लीटली बीट हो गए हैं, इसके साथ ही ओवर का खत्म हुआ, पांच ओवर का खेल खत्म, स्कोर स्कोर जानना पड़ेगा 66 स्कोर, एमपी साहब एमपी 11 आपका 66 स्कोर है, एक खिलाड़ी आपने ड्रा किया था यूसुफ नवाज के चीफ एग्जीक्यूटिव तमाम यूसुफ साहब बैट्समैन है, तमाम टीमों के कप्तान ग्राउंड पे मौजूद, लिस्ट हमारे पास मौजूद, दो के लिए मोहम्मद अजीम भट्ट, फोर प्लीज, ये जरा 66 स्कोर है, ये नाम सुन लीजिए, ओवर है, पांच ओवर का खेल खत्म है, पांच ओवर के खत्म पर 66 स्कोर 66, ये नाम सुन ले, वार्ड नंबर 3 से जो ऑनर है वो मियां मुजफ्फर इकबाल साहब, 4 से ख्वाजा आतम रजा पाशी साहब, 6 से रदिया शबीर अहमद साहब, 6 से मियां अशरफ, 7 के लिए इमरान भट्ट साहब, 8 के में मोहम्मद अयूब भट्ट साहब, 9 वार्ड में चौधरी जुफकार अली ढाका साहब से, वार्ड नंबर 10 जुमेद इकबाल चीमा साहब, वार्ड नंबर 11 कलील खान साहब, 12 नंबर वार्ड का सेरा मियां नदीम मुगल साहब को, 13 अब्दुल अजीज मुगल, 14 नंबर वार्ड से अशद शाह साहब के बाद, 15 मेरे साथ हैं, लेकिन अभी दोबारा मैच शुरू हो गया, मैं इसके बाद जरूर उनका इंटरव्यू भी करूंगा, 17 नंबर वार्ड अमानुल्लाह मुगल साहब के पास, 18 नंबर वार्ड राणा ताहिर, 19 यासर बाजवा वकास अमीन साहब, 20 नंबर वार्ड चौधरी अहमद अली जो भी खेल में मौजूद है, 21 वार्ड मिर्जा इरफान अली साहब, 22 नंबर वार्ड उस्मान गोलवाल साहब मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे भाई हैं, वो इस वक्त शामिल हैं, वे एमपी 11 में फील्डिंग कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, आज के इवेंट के बारे में सर आप बताएं, इंतहाई आला कलरफुल इवेंट है और ये उनके मोहम्मदी और चेयरमैन साहब की टीम को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि 22 साल के बाद उन्होंने डस्का में टिकट को जिला किया और इंतहाई आला एंटरटेनमेंट फ्राम किया, चलें ओवर के बाद इंशाल्लाह आपको दोबारा लेंगे इंशाल्लाह, एम पी ए साहब आ गए हैं, एक्स एम पी ए, ओ ब्लैक डाउन हो गया, लाइट ऑफ हो गई है, लेकिन इस लाइट ऑफ में भी मैं आपको चांद दिखाता हूँ, ये इस वक्त चांद है जो आपको नज़र आ रहा है, चांद आपको नज़र आ रहा है व्यूअर्स, और इस वक्त लाइट ऑफ हो है, कहीं कहीं ये जो लाइटें आपको नज़र आ रही हैं ये लोगों के मोबाइल्स हैं जो उन्होंने ऑन किए हैं, जो सितारों की मानिंद आपको नज़र आ रहे हैं वो लोगों के मोबाइल्स हैं, उनकी लाइट्स ऑन की हुई हैं, ये ग्राउंड के चारों तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ,
फुल मून नहीं है लेकिन मेरा ख्याल 11 या 12 का मून होगा शबान का, जुमेरात को इंशाल्लाह ताला शबे बरात है। जब तक जनरेटर नहीं चलता, लाइट्स ऑन नहीं होती, मैं आपको ये चिमटिमाती हुई चीज़ें दिखा रहा हूँ। ये लाइट्स ऑन हो गई, जनरेटर ऑन हो गया, लाइट्स ऑन हो गई। आज वकास मेहर साहब आज एमपी 11 का और चेयरमैन 11 का नमाइशी मैच इस वक्त हो रहा है, इसके बाद दो मैचेस और हैं, कल से रूटीन से ये मैच शुरू हो जाएंगे। अभी एक दफ़ा फिर लाइट्स ऑन हुई हैं और लाइट्स ऑन होने के बाद ये मैच दोबारा शुरू हो जाएगा। रुक ज्यादा ले गया यार, पानी पियोगे तो फिर पहुंचोगे अपने आने श्रीनिया मंडी जाते हैं। मैं दो घंटे हो गए खलोता सानू कि पुछते नहीं पाने सर की करते मेहरबानी। बाजवा साहब ने कोई दो एम पी ए चौधरी मुमताज बॉलिंग करा रहे हैं, आसमान खाला साहब बैटिंग कर रहे हैं और ये वाइड बॉल लेग स्टंप पे बॉल गई है लेकिन अंपायर ने वाइड का इशारा नहीं किया, हालांकि ये वाइड प्योरली वाइड बॉल है। लेग स्टंप पे जो भी बॉल बीट होती है वो वाइड होती है। लेग स्टंप पे जो भी बॉल बीट होती है वो वाइड ही होती है लेकिन अंपायर ने वाइड बॉल नहीं दी। फरूक भट्ट साहब अयूब भट्ट साहब के बेटे हैं जो इस वक्त मेरे साथ हैं, वो बस हाथ ही ला रहे हैं माइक के सामने, नहीं आ रहे, डर रहे हैं शायद माइक से, लेकिन मैंने माइक पे ले लेना है इनको। वेरी गुड, ये तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे इवेंट के बारे में? जी माशाल्लाह जी, ये चेयरमैन बल्दिया डस्का और एमपीए साहब बाबा जी खालिद महमूद मक्की मदनी साहब और साहबजादा उस्मान खाला साहब ने ये जो खेल का शुरू किया इधर इंतजाम बहुत अच्छा इंतज़ाम किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वार्ड नंबर 8 से तो खुद खेल रहा हूँ और बहुत ही अच्छी मसलन टीम है मेरी, तो इंशाल्लाह विन करेंगे हम, बहुत अच्छा इवेंट करवा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। इस दौरान उस्मान खाला साहब ने एक और छक्का लगा दिया जो उनका मिड विकेट की तरफ, ये सिक्स मिड विकेट की तरफ गया और ये स्ट्रेट ड्राइव किया है और ये सीधा फील्डर की तरफ गया है, सीधा फील्डर की तरफ गया है। ऐलान है कि जो कोई भी बॉलर मुझे आउट करेगा तो जो मुझे इनाम मिला है वो सारा मैं उस बॉलर को दे दूंगा। क्या बात है, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, भाई गल ने बड़े लोग ने सभी लोग ने बड़े से दिल बड़े देने वाले भी आप देखो जी एमपीए साहब मुमताज साहब और जो भी माशाल्लाह अपना इनाम उसको दे दिया जो आउट करेगा उसी के नाम एम पी साहब आए और अगर रन आउट हो गए तो कमेंटेटर को मिलेगा। मैं आपकी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ माशाल्लाह जी, आपके ख्याल आपके आप कदर करते हैं जी माशाल्लाह और मैं इंतजार करूंगा। कमाल है जी, इनाम तो सबका दिहाक है और जी तो चाहता है इनामात मिले। जो भी गुलफाम साहब साहब ने जी माशाल्लाह 5,000 की कॉपी को हाथ में रखा, लेकिन जो जिम्मेवारी मिली है और बहुत ऊंची शॉट और ये एक लंबा सिक्स है दनान यूसुफ का, बहुत लंबा छक्का लगाया है दनान भाई ने। लेग साइड बाउंड्री लाइन को क्रॉस करते हुए दोस्तों के बीच से तमाशे ने कैच पकड़ा है, अजीब कोई भी है वो स्टेज के पास आ जाए। दनान यूसुफ काशाई ने कैच पकड़ा है, यूसुफ के भाई पाकिस्तान के नाम खिलाड़ी बहुत यूसुफ के भाई अदनान यूसुफ, अदनान यूसुफ बहुत बड़ा बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए चोरी मक्का बात करेंगे। और ये ऊंची शॉट लगाई है और सीधा फील्डर के पास है लेकिन फील्डर ने बॉल को पकड़ा लेकिन अपनी जगह पर मौजूद रहे। माशाल्लाह जी समीरुल्लाह मल्ली साहब ने जफर इकबाल दास साहब को दोस्तों से दूर तो किया है और तो फायदा नजर नहीं आ रहा, ओवर हो चुका है।
अली साहब ने खाजा साहब का साथ दिया, जैसे फील्ड में साथ दिया, इसी तरह ने गेंद पकड़ने में उनका साथ दिया। 83 रन एमपी 11 का खतरा उसको लगता है। आवाम की भरपूर फरमाइश जो कि पूरी हो चुकी है, बल दिया डस्का, जय मैचा बॉल करेंगे बादशाह डस्का की डायरेक्शन को मुतय्यन करने वाला डस्का बल्दिया का चीफ एंड खुद पे फिर करीज के ऊपर मौजूद बाजू के बाद ये और ये चार 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 रन बल्दिया चाहते थे बात बीट होने की, फिर भी चार रन का इजाफा। हम अपने नाजरीन को बताते चले इस मैच के बाद तीन और मैचेस होंगे, दो गेंदों में 10 स्कोर पड़ गए। पहली बात चार, दूसरी बात छह। बाहर लगता है किसी ने कैच पकड़ा है वो, और ये बहुत बड़ा एक और सिक्स गेंद के पीछे भागते हुए लोग, लेकिन पकड़ ना सके, नहीं पकड़ सके, चीटिंग नहीं होने देंगे, जमीन से बाहर आ गया। बॉल पे जो सिक्स लगेगा उसका कोई नाम नहीं है जी, ये अनाउंसमेंट है। एक और अदनान यूसुफ ने हैट्रिक कर दी। आजाद साहब इस वक्त दूसरी टीम की तरफ से खेल रहे हैं ऐसे लग रहा है, जो है वो लेग स्पिन कर रहे हैं। हम चाहेंगे तो ऑफ स्पिन करें, सारी गेंदें लेग हो जा रही है, ये ऑफ स्पिन होगी यकीन ऑफ स्पिन, लेकिन फिर भी आउट हो सकते हैं। लेकिन बिना के गिरता वही है जो खेल का हिस्सा हो, गिरता वही है मैदान में जो खेल का हिस्सा हो, गिरते हैं शाहसवार मैदान जल पे तो ये डेड बॉल है। अब आपकी फरमाइश है जिसके बाद वाइस चेयरमैन साहब ओवर करवाए, ओवर हो चुका है, क्या पीछे की भरपूर फरमाइश कि वाइस चेयरमैन साहब को भी ओवर दिया जाए। अभी तक कोई भी तमाशे की मोबाइल नहीं जीत सका, वाइट बॉल। हेलो अंपायर का शारा वाइट, एमपी 11 का बढ़ता हुआ स्कोर, अजीत पाल साहब एमपी 11 को मिलते हुए उन्हें दाद देते हुए अच्छा स्कोर किया 110 और बहुत बड़ा छक्का, 110 नहीं रहेगा। अब आपके बीचों बीच खेल एक दूसरे हाथ में फिर किसी और ने पकड़ लिया, 6 रन का इजाफा, अंपायर का इशारा 6 रन इस ओवर में 5 छक्के और एक चौका। कोई गेंद जो है वो बाउंड्री के बगैर दर्श भी बहुत बड़ी शक्ति के पास बहुत बड़ी गेंद पेश कर रहे हैं। चेयरमैन साहब एक टीम को बहुत चंगी थी उनकी ये कैच पकड़ा अभी और सिक्स का, मतलब पूछना पड़ेगा इस सिलसिले में नाम दिया जा रहा है खुलके मंदी फाउंडेशन की तरफ से। असल में उन्होंने अपनी टीम को क्रिकेट में बजट दिया है, एक ओवर में 5 चीजें खा कैच पड़ा जी, कैच होने ने पड़ा है बस लेट टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। चलो शेख साहब बोल दो मियां साहब, शेख आउट नहीं होना सर, पैसे सारे वापस जाने नहीं थे, आउट नहीं होना, मियां साहब आए ने वाइस चेयरमैन मियां नदीम साहब बॉलिंग करवा रहे हैं, बहुत बढ़िया बैटिंग किया उन्होंने, कितनी शक्ति इनके पास हुए आतंकवाद के रूप में। और ये बहुत बड़ा सिक्स, बहुत बड़ा सिक्स उस्मान साहब का, वाइस चेयरमैन को भी, चेयरमैन साहब को एक ओवर में 4 छक्के और 2 चौके पड़े थे, अब वाइस चेयरमैन अपना काउंट खोला है और इसमें भी इनको पहली बॉल पे सिक्स पड़ा है। और दूसरी बॉल में स्ट्रेट ड्राइव, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा ड्राइव,
बहुत अच्छा ड्राइव किया है और कैच नहीं पकड़ सका कोई भी। दो गेंदों पे दो छक्के पड़े हैं भाई चेयरमैन को। इससे पहले चेयरमैन साहब ने ओवर कराया जिसमें उनको चार छक्के और दो चौके पड़े हैं ओवर में। ऐलान कर रहे हैं जो मोबाइल ले सिम हम देंगे लेकिन उसके नाम पर, क्योंकि आतंकवाद बनकर कल को हम किसी एजेंसी का सामना न करें। ये वाइड बॉल है लेफ्ट की तरफ से गुजर रही है। इसके बाद मैं रश करता हूँ। माशाल्लाह जी हाजी अजीम भाई साहब बॉलिंग करवाने के लिए जा रहे हैं या बैटिंग करेंगे? एक और सिक्स है, फील्डर मौजूद था और सिंगल लगी है अभी। बहुत अच्छा फ्लिक किया है, फील्डर मौजूद है और एक स्कोर ही होगा। फील्डर के हाथ किसी लगे अहमद भाई वहां बैच अनाउंस कर दिया। ये पार्ट नंबर 24 है उसके मुद्दे मुकाबले उसके हरीफ पार्ट नंबर 27 इसके एक ऑनर ये थर्ड मैन की तरफ गया है और फील्डर वहाँ मौजूद है और बड़ी अच्छी फील्डिंग करके रोक लिया है। वेरी गुड, बड़ी अच्छी तरह रुका है और इस दौरान दो स्कोर लग गए हैं। वेरी गुड, कौन है पीछे कौन है? रहमतुल्ला साहब ने हाजी रहमतुल्ला शेर रहमतुल्ला साहब हैं, वो फील्डर हैं, बड़ी अच्छी फील्डिंग की है, बहुत अच्छी ऊंची शॉट है और ये कैच और उस्मान खाला साहब आउट हो गए। बहुत ही बढ़िया बैटिंग इधर ओवर नहीं है बोतल पानी को नहीं एक सेकंड के लिए उमर साहब 132 स्कोर 8 ओवर का खेल खत्म 132 एमपी 11 सिर्फ एक 132 स्कोर हो गया है और 8 ओवर भी हुए हैं मुमताज ने और उन्होंने साबित कर दिया कि हम किसी गुनाह से नहीं लेकिन एक खिलाड़ी को वो जा रहे हैं वापस उधर बुला देना जा रहे हैं ना इस्मान साहब वापस आउट हो गए हैं तो अभी उनको मुझे हुक्म हुआ है कि इस ब्रेक में हमारे मास्टर फरूख साहब हैं वो मिली नगमा पेश करेंगे। हम बिल्कुल अपने आर्टिस्ट जो है अपने फनकार को पूरा मौका देना चाहूँगा। जी जी मास्टर फरूख साहब ये अभी चांद है जो आपको नजर आ रहा है सीधा हाथों में कैच 132 रन उसके साथ 8 ओवर में 132 रन हो चुके हैं। एक खिलाड़ी आउट हुआ है, एक हल्ड रिटायर हुए हैं अब चौधरी अबद अली खुद को महसूस करें फटकार की आर्टिस्ट। इसके बाद टूर्नामेंट का जो बकायदा आगाज है वो दो मैचेस खेले जाएंगे वार्ड नंबर 24 और उसके बाद मुकाबले वार्ड नंबर 27। अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं तो कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। 132 स्कोर हो गया बाजपीर अलियास मैं थोड़ा सा व्यूअर्स दिखाता हूँ जो इस वक्त लाइव मैच को देख रहे हैं। ब्रेक में मिली नगमा पेश किया जाएगा मास्टर फरूख साहब अपने फन का मुजाहरा करेंगे। इसके बाद जो दूसरा मैच है वो वार्ड नंबर 8 है उसके आरोप जिला मुंडलाई कौशल मोहम्मद अयूब साहब उसके बड़े मुकाबले और निवास जो के हरीफ है वो वार्ड नंबर 21 है जहाँ से मियां करीम साहब और मिर्जा अरफान साहब जो के ओनर है ये दो टीमों के द्वारा मैच उसी ने कहा कि पानी पीना है फिर मनु भी आवाज़ खोल दिया जो मेहरबानी।
ਲਾਈਵ ਦੱਸ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ 8700 ਵਿਊਅਰ 8700 ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਊਅਰ ਇਹ ਗਏ ਹਨ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 10000 ਦਾ ਗਏ ਹਨ ਵਿਊਅਰ ਤਮਾਮ ਖਿਡਾਰੀਓ ਕੇ ਲਈ ਔਰ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਖੁਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਦਿਆ ਕੇ ਲਈ ਐਮਪੀਏ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਲਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਉਸਮਾਨ ਖਾਲਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੈਸੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮੈਚ ਬੰਦ ਇੱਧਰ ਵਖਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਹੀ ਬਣਾ ਗਿਆ ਸਹੀ ਬਣਾ ਗਿਆ ਇਹ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਆ ਰਹੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਦਾ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਲੋਟਾਂ ਮੈਂ ਸੋਲਾਂ ਨੰਬਰ ਦਾ ਅੱਜ ਮੈਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਚ ਦੱਸ ਸਮਾਨ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਿੱਕੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ
ਲਿਆ ਫਿਰ ਦੇ ਦੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। نوازنات آ رہی ہے سے ہمیں نوازیں گے ہم ان کے مشہور ہیں جی اور اسپیشل بابا جی کے اور اس کی پوری ٹیم کے دور میں پوچھ کے کہ وہ آج کی تقریب کی افتتاحی تقریب میں جو یہ انعامات کے حوالے سے ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਦੋ ਦਿਨ ਛੋਟੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਫੜੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋ ਨੰਬਰ ਟੀਮ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿਉਂ ਜੀ ਹੋਟਲ اور ڈسکے دی عوام نے ماشاء اللہ سے لوگوں نے کافی دیر سے رکے تھے وہ جانا جا رہے ہیں کہہ رہے کہ جی سادہ صاحب خواجہ صاحب ایک منٹ صاحب صرف ایک منٹ پلیز پلیز ایک منٹ صاحب پلیز میاں صاحب رو ہاں کدھر پھر دے ویورز میاں مظفر اقبال صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں کونسلر ہیں وہ میرے ساتھ ہیں وارڈ نمبر 3 کے کونسلر ہیں ان کی ٹیم ہے السلام علیکم میاں صاحب میاں صاحب کیا حال ہیں کیا کہیں گے آج کے ایونٹ کے بارے میں انشاءاللہ پہلے تو یہ جو سائی میچ ہو رہا ہے انشاءاللہ وہ چین میں لاؤں جیتے گی انشاءاللہ کیوں کیوں آج صاحب انشاءاللہ انشاءاللہ جیتیں گے اپنے اپنا مجھے اس ایونٹ کے بارے میں بتائیں یہ ایونٹ کرانا کیسا لگ رہا ہے آپ کو کیسا ہونا چاہیے ہم یہ جو نئی نسل ہے نا اس کو ہم موبائل کی موبائل سے جان چھلوانے کے لیے یہ کر رہے ہیں تو چلو دو چار گھنٹے جو ہے نا وہ گیم کھیلیں گے جو سب بیٹھ گئے ہیں نا سنوکر گیموں میں جا کے تو سب کو کہہ رہے ہیں کہ گراؤنڈ میں آ کے کھیلیں تو اس وقت آپ ایم پی ایل ایون کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ چیئرمین ہم چیئرمین لیول کو سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ شیر صاحب پاس ہیں اس لیے بڑی اچھی فیلڈنگ کی انہوں نے میں ادھر سے کور کر رہا تھا بڑی اچھی فیلڈنگ تھی ان کی تھینک یو بہت شکریہ اور جناب شیر صاحب میچ کی سیکنڈ اننگ شاید شروع ہو گئی ہے عثمان خالد صاحب نے دیتے نا پیسے منہ پڑھائے ہاں پانچ کو سیکنڈ اننگ شاید اسٹارٹ ہونے والی ہے وہ میں اب آپ کو دکھاتا ہوں صرف آپ کی توجہ ہوگی پلیز پلیز میچ شروع کرانگے بڑی دیر اس کے بعد دو میچ تقریب میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ واشنگ اسٹیڈیم دسکا میں تشریف لائے اور گورمے ڈیپیل ابتدائی تقریب کو چار چاند لگائے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں مسلم حملی فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم پر الحاج بابا جی محمد صاحب محمود صاحب لنگر سر نے فری ڈسپینسریاں اور ہر 6 ماہ بعد غریب لڑکیوں کی شادیاں کرواتے ہیں اور فری ایمبولینس سروسز جیسے
रफाए आमा के नवाब हो रहे हैं, जिनमें महलाने दस्ता एक बड़ी तादाद मुस्तकिल हो रही है, और इंशाल्लाह ये तमाम काम मुस्तकिल में भी जारी रहेंगे। माजी में भी मुख्य महावीर फाउंडेशन ने नौजवान नस्ल के लिए खेलों और तफरी के मौके प्रदान किए हैं। मकसद नौजवान नस्ल को सेहतमंद सरगर्मियों के मौके फराहम करना है, ताकि नौजवान नस्ल को नशियात और जराइम से दूर रखा जा सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि जत्था हमारे इस मिशन को भरपूर साथ देगा। बड़ी जगह है, जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला था तो मैंने स्पॉन्सर हजार से बात की कि आप इसका करके टूर्नामेंट करवाते हैं। एक स्पॉन्सर जिसका मैं यहाँ पे जिक्र कहूँगा, उसका नाम है सनुल्ला मलिक। मैंने उसको कहा लगता है कि सारे के सारे ना टिकट डस्टा में कोई नहीं है, सारे के सारे बच्चे जो हैं वो या तो व्हाट्सएप वाले हैं या फेसबुक वाले हैं, क्रिकेटर कोई भी। मगर फिर मैंने उसके साथ और चेयरमैन बल्दिया के साथ सारे काउंसलर की टीम के साथ मिलकर ये प्लान किया कि हम डस्का में क्रिकेट को दोबारा जिंदा करते हैं। तो आज इंशाल्लाह ताला जो आप यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ये उसी चीज की ही निशानी है। इस टूर्नामेंट के हवाले से कुछ वापस हैं जो कि हर एक टीम को फॉलो करने पड़ेंगे। हर टीम की तरफ से 11 खिलाड़ी खेलेंगे, 11 खिलाड़ियों के नाम दिए जाएंगे, जिनमें से 5 खिलाड़ी वो मैच खेलेंगे। टीम के ओनर का नाम लेना लाजमी है, हर मैच उम्र खेचने हेलो पाकिस्तान तनहा नहीं तेरी बदरी साफी बंदे इस्मान खाला साहब इस वक्त तकरीर कर रहे हैं, मैं इनके करीब नहीं जा सका रश की वजह से। मैच का दूसरा हिस्सा इस तकरीर के बाद दोबारा शुरू हो जाएगा। थोड़ी देर इधर आइयो, भाई नहीं इधर आइए तुम। व्यूअर्स एमपीए साहब मेरे साथ हैं इस वक्त, चलते फिरते इंजॉय करते सरकार ने। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वाले सर, आज के इवेंट के हवाले से आप क्या कहेंगे, चलते फिरेगा आज का ये जो इवेंट है, जो आज डस्का के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ स्टेडियम में मुनक्कद किया जा रहा है, ये डस्का
PSL जी DPL DPL डस्का प्रीमियर लीग के उन्वान से खुलके मोहम्मदी और यंग ब्लड फाउंडेशन और म्यूनसिपल कमेटी डस्का और अलहाज बाबा जी खालद महमूद मक्की मदनी के तावन से ये एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है और इसमें डस्का की 30 वार्ड्स की 30 टीमें हिस्सा ले रही हैं जी जी जिसमें डस्का के अवाम का जो शो जो इंटरेस्ट है जो उन्होंने इसमें अपनी दिलचस्पी जाहिर की है वो काबिले दीद है क्योंकि लोगों को अब इस बात का इलम है कि जिस शहर के मैदान आबाद होते हैं उस शहर के हॉस्पिटल्स वीरान हो जाते हैं डस्का की जो यंग ब्लड एसोसिएशन है इनका एक बाटो है कि वो डस्का को ड्रग फ्री सिटी बनाना चाहते हैं बल्कि मैं समझता हूं कि ये उन्होंने ये टारगेट अचीव कर लिया हुआ है डस्का को उन्होंने ड्रग फ्री सिटी बना दिया हुआ है अब उनकी ख्वाहिश है कि वो तहसील डस्का को ड्रग फ्री सिटी बनाए उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट सियालकोट को ड्रग फ्री सिटी बनाने जा रहे हैं हम उनके साथ भरपूर तावन करते हैं और डस्का के तमाम लोग और पूरे पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन में से जो यंग ब्लड डस्का की एसोसिएशन है ये टॉप पे है और एंटी नारकोटिक फोर्स वाले भी इनको बड़ा सपोर्ट करते हैं हुकूमत पाकिस्तान इनको सपोर्ट करती है हुकूमत के तमाम इदारे इनको सपोर्ट करते हैं तो आज का ये जो इवेंट है ये पहले मेरा ख्याल है काफ़ी दिन चलेगा 20 दिन तक चलेगा और लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इसमें अवाम में शऊर है कि ये बच्चों जो हैं इनको ये गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेना चाहिए और यकीनन जो पाकिस्तान में आजकल एक नई एक ये दुकानदारी खुली हुई है फेसबुक और ये व्हाट्सएप टाइप बच्चे उसको छोड़ के इसमें आएंगे और मुझे यकीन है कि जितना बड़ा ये इवेंट है इसमें आइंदा आने वाले दिनों में यकीनन पाकिस्तान की जो टीम होगी क्रिकेट टीम उसमें यकीनन डस्का का कोई ना कोई सपूत जो है वो वहाँ हिस्सा लेगा यही हमारा टारगेट है मैं चेयरमैन बल्दिया डस्का और 21 कौंसलर्स की टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा इवेंट जो है इसका इनेकाद किया और बच्चों में ये शऊर उजागर किया कि वो खेल के मैदान जो है उनको बात करें और आज देखें कि डस्का की जो न्यू जनरेशन है यंग जनरेशन है वो बड़े जोश खरोश से इस इवेंट में हिस्सा ले रही है मुझे उम्मीद है कि ये इस तरह के इवेंट जो है इससे पहले वो कबड्डी मैच हुआ था उसमें भी बड़ा इंटरेस्ट शो किया लोगों ने और आज इसमें पहला मैच है जो एमपी 11 और चेयरमैन 11 के दरमियान हो रहा है तो एमपी 11 के जो मेरी टीम थी उन्होंने बड़ा अच्छा टारगेट दिया है और मुझे यकीन है कि हम ये मैच जीत जाएंगे ठीक है और डस्का के हवाले से आप मुझे मज़ीद बताएं कि ये पॉजिटिव एक्टिविटीज खुलके मोहम्मदी फाउंडेशन और बाबा जी की वजह से या चेयरमैन साहब या आपकी वजह से क्या इसको आप नेक्स्ट कैरियर रखेंगे ये ग्राउंड जो काफ़ी देर के बाद 15-20 साल बाद आज बाद हमें नज़र आई है ये वाकई आपकी बात दुरुस्त है लेकिन यहाँ के लोग जो हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ स्टेडियम में सुबह भी वाक के लिए आते हैं शाम को भी आते हैं और हर संडे को या हर फ्राइडे को छोटी मोटी जो टीमें हैं डस्का की वो आते हैं और बच्चे खेलते हैं और ये मतलब जो इस लेवल पे के टूर्नामेंट्स हो या इस लेवल के कोई ऐसे ये पहला इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है तो मुझे यकीन है ये तो इंशाल्लाह ताला कामयाब होगा हमें नजर भी आ रहा है हम आपके तावन से कामयाब करेंगे आपका भी तावन दरकार है जिस तरह आप ई डस्का के ये जो आपने टाइटल लिया हुआ है मैं आपको भी अप्रिशिएट करता हूँ आपकी बड़ी खिदमत है आप डस्का के तमाम इवेंट्स को चाहे वो किसी भी जमात का हो किसी भी लोग किसी भी जो हमारा डस्का के शहर के हैं कोई भी लोग इसको सपोर्ट करें आप उसको डायरेक्ट दिखाते हैं चाहे वो सरकारी हो गैर सरकारी हो देखें ये गैर सरकारी है लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के वीएन के मुताबिक है मियां शहबाज शरीफ साहब के वीएन के मुताबिक है तो मैं आपको भी सल्यूट पेश करता हूँ आपकी बहुत अच्छी इसमें पार्टिसिपेशन है और आप लोगों को ये दिखाते हैं कि डस्का में क्या क्या होने जा रहा है और मैं यकीनन अकेला नहीं डस्का के तमाम लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं और मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपसे इस बात की उम्मीद रखता हूँ कि आप आइंदा भी ऐसे इवेंट को प्रमोट करते रहेंगे इंशाल्लाह थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर व्यूअर्स ये एमपीए डस्का मेरे साथ थे इस वक्त वो अपने व्यूज़ बता रहे थे इस हवाले से कि ये प्रोग्राम कैसे इनकार किया और इसके बाद किस तरह उनको कैरी ऑन करेंगे मैच का बकायदा हिस्सा स्टार्ट हो गया अब मैं आपको वो हिस्सा दिखाना चाहूँगा पहली प्ले बॉल स्टार्ट हो रही है साहब ये बड़े बड़े कोई नहीं मैच जा रही है ये साथ के
ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਕਮਲ ਦਾ ਮਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਲਵਾਉਣਾ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੀਪੀ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਸੀਪੀ ਲੈਣਾ ਸਰ ਇੱਕ ਸੀਪੀ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਂ ਅੰਪਾਇਰ ਸੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਕੇ ਲੀਏ ਮੈਚ ਰੋਕੇ ਨਹੀਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਕੇ ਲੀਏ ਅੰਪਾਇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਮਿੰਟ ਕੇ ਲੀਏ ਮੈਚ ਕੋ ਜਿੱਡੇ ਜਿੱਡੇ ਛੱਕੇ ਖਾਦੇ ਨੇ ਉਧਰ ਦੇ ਲਾਣੇ ਵੀ ਨੇ ਸਮੀ ਉਲਾ ਮੱਲੀ ਆਏ ਹੈ ਬੈਟਿੰਗ ਪੇ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪਲੇ ਬਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਬਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਫੋਰ ਰਨਸ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਕਸ ਹੈ ਉਸਮਾਨ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪਹਿਲੀ ਬਾਲ ਪਈ ਸਮੀ ਉਲਾ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਔਰ ਇਹ ਵਾਈਟ ਬਾਲ ਹੈ ਖੁਦ ਖੇਲਣਾ ਚਾਹਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਮਾਨ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਖੇਲਣਾ ਚਾਹਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬਾਲ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਇਸਕੋ ਸਟੇਟ ਡਰਾਈਵ ਕੀਆ ਔਰ ਇਹ 4 ਰਨ ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਓਵਰ ਮੇਂ ਦੋ ਚੌਕੇ ਪੜ ਗਏ ਹੈਂ ਤੀਨ ਬਾਲੇ ਹੋਈ ਹੈਂ ਔਰ ਜੋ ਦੋ ਚੌਕੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈਂ ਔਰ ਸਾਥ ਉਮਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮੈਂ ਬਜਾ ਦੇ ਖੁਦ ਅਹਿਮਦ ਬੜਿਆ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੇ ਇਨ ਕਮੈਂਟਰ ਅੱਜ ਕੇ ਫਰਾਈ ਸਮ ਨਵਾ ਰਹੇ ਹੈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਚਾਰੀ ਦੂਸਰੀ ਇਨਿੰਗਸ ਪਹਿਲਾ ਓਵਰ ਟੀਮ ਗੇਮ ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਨਾ ਵਾਲੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਪਰ ਬੀਟ ਹੋ ਗਈ ਬਾਹਰ ਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਮੇਂ ਸਮੀਰ ਅਵਲੀ ਕੀ ਅੱਛੀ ਬੈਟਿੰਗ ਥੀ ਲੇਕਿਨ ਬਾਲਿੰਗ ਮੇਂ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਔਰ ਮੈਚ ਮੇਂ ਇਨਕੇ ਦਸਤੇ ਬਾਜ਼ੂ ਇਨਕੇ ਸਾਥ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤ ਮੌਜੂਦ ਉਨਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਨ ਕਰਤੇ ਹੈਂ ਉਨਕੇ ਬਾਜ਼ੂ ਪਰ ਯਾ ਖੁਦ ਖੇਲਤੇ ਹੈਂ ਵਕਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਔਰ ਯੇ ਸਿਕਸ ਸਮੀਰ ਅਵਲੀ ਕੀ ਜਾਨਿਬ ਸੇ 6 ਰਨਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜੀਆ ਸ਼ਾਟ ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਸ਼ਾਟ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈਂ ਹਮਨੇ ਕੁਛ ਕਹਾ ਤੋ ਬੁਰਾ ਬਾਤ ਕੇ 6 ਰਨਸ ਕਾ ਇਜਾਫਾ ਅਗਰ ਯੇ ਬੰਦਾ ਵਿਕਟ ਪੇ ਰਹਾ ਤੋ ਯੇ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾ ਦੂੰ ਕਿ ਯੇ ਟਾਰਗੇਟ 6 ਓਵਰ ਮੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਵੀ 183 ਸੱਤ ਕਾ ਬਤਾ ਸੈਂਕਰੋ ਮੇਂ ਜਬ ਬਾਤ ਹੋ ਤੋ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਹੁਆ ਔਰ ਯੇ ਵਾਈਟ ਬਾਲ ਵਾਈਟ ਬਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਪਰ ਲਗਾ 183 ਰਨਸ 8 ਓਵਰ ਤੱਕ ਖੇਲ ਪਹਿਲੇ ਓਵਰ ਤੱਕ ਖੇਲ ਜਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਐਮਪੀ 11 ਤੇ ਖੇਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 132 ਸੱਤ ਬਣਾਏ ਦੂਸਰੀ ਇਨਿੰਗਸ 6 ਮੈਂ ਬਣ ਦਿਆ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਬਾਲ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੈਚ ਪਕੜਨੇ ਮੇਂ ਨਾਕਾਮ ਉਸਮਾਨ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕੈਚ ਪਕੜਨੇ ਮੇਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਏ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਕੈਚ ਛੂਟ ਗਿਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕੈਚਿਸ ਵਿਦ ਮੈਚਿਸ ਹੋਤਾ ਹੈ ਮੁਝੇ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹਿਣੇ ਮੇਂ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਕੈਚ ਛੂਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਚ ਛੂਟਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਚ ਛੂਟ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੈਚ ਛੂਟ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਚੁੱਕੇ ਆਪ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਕੀ ਰੇਂਜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੈ ਮੈਂ ਯਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਯਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤਸ਼ੀਫ ਲਾਏ ਔਰ ਯਾ ਬੈਠ ਕਰ ਆਗਾ ਸਹਿਰਿਆ ਸਾਹਿਬ ਬਿਹਤਰ ਹੋਗਾ ਆਪਕੇ ਲਿਏ ਵੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਿਏ ਕਿ ਆਪ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤਸ਼ੀਫ ਲਾਏ ਔਰ ਯਹਾਂ ਪਰ ਆ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਯਾ ਸਰ ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਐਮ ਪੀ ਏ 11 ਔਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਦੀਆ 11 ਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਫਤਤਾਹੀ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਜਿਸਕੋ ਨੁਮਾਇਸ਼ੀ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੈਚ ਇਸਕੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗੇ
ہم انتظامیہ سے گزارش کریں گے کہ اس میچ کے بعد آگا صاحب کو ٹریبیوٹ بھی لگوائے. آگا صاحب آپ کمنٹری بکس میں یہاں پر تشریف لائے, آپ کا شدت کے ساتھ انتظار کیا جائے گا. رنوکر اکبر بھائی کا اس کے بعد میچ ہے, اس کے بعد جو تیسرا میچ ہوگا وہ وارڈ 24 ہے آپ کی, آپ اس کے اونر ہیں اور کوشل بتیا ڈسکا ہے آپ کے حریف مد مقابل وارڈ نمبر 27 انصر اقبال رشی صاحب. تیسرا میچ اس کے بعد ایک اور میچ اور اس کے بعد تیسرا میچ آپ دونوں اور یہ سکس لیکن سکس بھی ہو گیا اور کیچ بھی ہو گیا, چھ رنز کا اضافہ. اچھا الیاس مغل صاحب جنہوں نے اعلان کیا تھا وہ خود دیکھنے جا رہے ہیں کہ کیوں ہوا ہے, کسی کو کیوں دے, میں ہوں اتنا نہیں دس سکتا لیکن ہم نے اناؤنس کیا تھا. ویری گڈ, چار اچھا اضافہ. کتنا ہو گیا آگا صاحب؟ میں آپ کے لیے کہہ رہا تھا کیونکہ ریٹس کم ہے آپ کے پاس, دوسرا یہ بائک ہے تو آپ کے رینج اتنی نہیں آپ بات کر سکیں, میرے پاس آئیں گے تو ایک دوسرے کو شادی ہوگی بات کرنے میں اور آپ کی رینج نہیں میں بتاؤں گا. اور یہ خود بھی دیکھ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں ہیٹ ہوئے ہیں, کہتا ہوں یہ امپائر میرا کیا لے کے وائٹ بال کا اشارہ کرنے کے دیکھ لیے بالر آئے اور یہ وائٹ بال ہے جاری امپائر کا اشارہ وائٹ بال. فادر کا نام بتا سکتے ہیں آگا صاحب؟ اطنان یوسف صاحب, کیا بات ہے ان کی بڑی شکتی شالی تک کے پاس ہو گئے, بہت بڑھیا گیم کی تھی. سیم عباس صاحب آپ کا بھی شکریہ ہے, اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کو آپ شیئر کریں زیادہ سے زیادہ, دوستوں کو بھی بتائیں تاکہ ہمارا جو سٹی ہے یہ پوری دنیا میں اچھے پازیٹیو ایکٹیویٹی کے لیے سامنے آئے. آپ کائنڈلی اس کو پوسٹ کریں. اور یہ فور رن علی اجم اللہ ملی کی طرف سے فور ہے. گراؤنڈ پہ الٹ باز کے لیتا ہوا گاس کو چھوتا ہوا تیزی کے ساتھ گیند باؤنڈری لائن کراس کر کے آگا صاحب. اتنا زوردار شاٹ تھا کہ مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے ملی جیسا جو فزیک ہے ویسی گیس چھاڑ نہ جائے گا. میں یہ کہنے میں آج محسوس نہیں کرتا کہ ملی صاحب جو ہے ان کے قدم اتنا ہے کہ وہ اٹھا سکے. صاحب اس وقت عوام کی طرف سے زور سے سفارش ہے کہ جناب آصف بھائی صاحب بھی اپنا اوور کروائیں. بھائی صاحب اگر اوور کروانے چاہے تو میں چاہتا ہوں پہلے کمنٹری بکس کے میں ان سے کچھ جاننا چاہتا ہوں. آصف بھائی صاحب ایل پی دشا اشارہ کر رہے ہیں جناب الیاس مغل صاحب. کس چیز کا سارا پانی یہاں موجود نہیں ہمارے پاس. فیس دار صاحب ہے آگا صاحب الیاس مغل صاحب سے کہے کہ پانی زہد جاگیر صاحب کہہ رہے ہیں وہ یہاں پہ آ رہے ہیں. مائک آگا شاہ صاحب کے پاس موجود ہے, تیسرا آگا صاحب کی مائک بھدرم آگا شاہ صاحب کے پاس. تیس اکور اس کے بعد جو میچ کھیلا جائے گا, جو ویورز یہ میچ دیکھ رہے ہیں لائیو ان سے میری درخواست ہے تو وہ اس کو شیئر بھی کریں اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں تاکہ ہمارا سٹی جو پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں ہے تو وہ بھی پوری دنیا میں شیئر ہو, سب دوست اس کو شیئر بھی کریں. بات کیچ پکڑے گا آج کے اس میچ میں اس کو ہم کیوں موبائل دیں گے. الیاس کو سب آپ سے گزارش کر لوں لیکن پلیز یہ جو ابھی کیچ پکڑا گیا تھا لگا کسی کو روکا کسی نے اور ککڑ کسی کے ہاتھ میں آ گیا. دو تینوں لے رہے جس کو ٹچ کیا نہیں. پلیز آئی ایم سنگل اینڈ کیٹ, ایک آدمی پکڑے گا اس کو انتظام کروں گا. آسانی کر لے جس کے ہاتھ میں گیند جائے وہ حقدار ہے. اس کے بعد میچ ہوگا صاحب اسکور جو ہو گیا ہے خان صاحب یہاں پہ معلوم چاہتے ہیں چوتھی اسکور ہی ہے لیکن انہیں لکھنے میں غلطی ہوئی ہے. اسکورر جہاں پہ موجود ہیں
कवर ड्राइव स्ट्रेट ड्राइव है और ये बीट हो गया, फोर हो गया। उन्होंने कहा कि 30 है लेकिन गलती हो सकती है, यहाँ पे लाइट कम है इसलिए। चेयरमैन बल्दिया साहब आप गुजारिश करते हैं आप एक किसी दोस्त को यहाँ पर भेज दें जाकर स्कोर गिनने में लिखने में आसानी हो। बहुत ऊंचा उठा दिया है और ये दो खिलाड़ियों की ट्राई थी, दोनों नाकाम हो गए और फोर रन हो गए। दोनों ट्राई फील्डर ना कर सके के बाउंड्री लाइन के बाहर चार रन से ज्यादा। इसके बाद मैच होगा पोली का वार्ड नंबर 8 का वार्ड नंबर 21 के साथ, उसके बाद मैच होगा पोल सी में से वार्ड नंबर 24 का वार्ड नंबर 27 के साथ, और उसके बाद मैच होगा वार्ड नंबर 2 का वार्ड नंबर 23 के साथ। इस मैच के बाद कोई स्कोर नहीं होगा, टूर्नामेंट के 3 मैचेस और होंगे आज के रंगारंग तकरीब, उसके बाद ये टूर्नामेंट का पहला मैच आकाश वर्दी 11 और एमपी 11 के दरमियान दूसरी इनिंग का जारी है। ये बॉल वापस अब नहीं पा आगे सब ये प्लेट बॉल हो सकती है। अच्छा क्या सभी थे आपके ये पालन कंफ्यूज है या वैसे उन्हें कोई स्कोर की वजह से समझ नहीं आ रहा है? ठीक है और ये मुकम्मल तौर पर बैट्समैन हिट कर गए। शेतगिल साहब नाकाम रहे गेंद कल को समझने में शायद डोंट सीम थी। मैच का दूसरा ओवर जारी, घटता हुआ स्कोर 22 के 22 रन पे गौतम सुमान भाई साहब और ये एक और चौका, एक और चौका। गेंद गास को छूता हुआ, घूमता हुआ, गास के साथ लड़ता हुआ, जगड़ता हुआ, मल्ली के तकाजों को पूरा करता हुआ बाउंड्री लाइन आगा साहब क्रॉस कर गया 39। टीम वाले इस ओवर की 3 गेंदें भी बाकी हैं और स्कोर है 39। मेरी गुजारिश है कि इंतजामिया की तरफ से मल्ली के लिए खास अनाउंसमेंट की जाए। ये आप किस लिए कह रहे हैं कि आपके वकील दोस्त हैं या ऐसे पेरेंट के ऊपर कह रहे हैं? नहीं हम ये देगी, ये चीटिंग नहीं होने देगी, खेल के मैदान में सबके लिए एक जैसे सूट, एक जैसा तरीकाकार, एक जैसे दिमाग में मौजूद, जो अच्छा खेलेगा वही सुल्तान, वही सिकंदर, जीत उसी का बेकदर। आज के ग्राउंड के कौन हीरो आज किसके सर पर जाएगा फैसला कब लग सकता है, लेकिन प्रदर्शित की जा सकती है, स्कोर आसान नहीं है। जब तक बल्दी 11 के बहुत बड़े प्लेयर सभी नबली साहब मौजूद हैं तब तक कुछ भी हो सकता है, चाहे स्कोर चाहे हदफ पहाड़ जैसा हो, लेकिन इनकी आवाजों में इतनी शक्ति है कि ये पहाड़ों जैसे स्कोर को हदफ को पूरा कर सके। आगे साहब अपना मायल आज नजरिया पेश करते हुए महाराणा राय देते हुए क्रिकेट को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इस क्रिकेट जो खेल है आखिरी आखिरी बात चलता है, देखना होगा कि किस तरह इसको इनके बॉलर इनकी टीम इनके कप्तान कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मैच। बहुत शुक्रिया जिनकीप साहब और दीगर जिन्होंने शेयर किया है, और मजीद शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करें, वो भी देख सकते हैं शेयर के नीचे इनवाइट का एक टैग होता है उसमें इनवाइट करें, वो भी ये प्रोग्राम देखें। कवर ड्राइव किया है बहुत प्यारा कवर ड्राइव, वो एक स्कोर ही बनाएगा। उस्मान खालिद साहब 200 ओवर की पहली गेंद 40 रन 30 ओवर जारी। वेलकम डॉक्टर उमर साहब, आप ये मैं प्लीज इसको शेयर करें और दोस्तों को इनवाइट भी करें और मैच एंजॉय भी करें। वाइट बॉल है उस्मान खालिद की तरफ से, ये वाइट बॉल का इजाफा इशारा। इकतालीस स्कोर है, चेयरमैन लेवन का अपने हरीफ
ذرا ششبیر صاحب آپ کا بھی تھینک یو، آپ نے اس کو شیئر کیا اور یہ بہت اونچی شال لگائی ہے سمیر مدانی ہے اور یہ بہت بڑا سکس ہے، ابھی تک کا سب سے بڑا سکس ہے یہ، بہت زوردار شاٹ اور بہت ہائی پہ ہے، اس کو کوئی نہ پکڑ سکا، سمیر مدانی کے پاس ہو اتنی شکتی، باہر چلو بہت بڑا پلے، آج کے بعد کے روپ میں میچ گراؤنڈ میں کانگریس کے ساتھ جگہ کا وہ بیٹھ گئی، یہ کیچ ہے بہت اچھا زیب نے یہ کیچ پکڑ لیا اور سمیع الحمد اس کے ساتھ ہی آؤٹ، سارے کھلاڑی انجوائے کرتے ہوئے عثمان خالد صاحب نے یہ وکٹ لی ہے، عثمان خالد صاحب کی یہ وکٹ ہے اور انہوں نے سارے بہت انجوائے کر رہے ہیں، اسکور بو جو ہے وہ ہم یوتھ کونسلر بہت جناب شازم شیخ صاحب کے سپورٹ کر رہے ہیں، چیئرمین لون کی جو کی تھی وہ اوٹ ہو گئی ہے، اب نیکسٹ میچ نیکسٹ پلیئر دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کیونکہ سارا ڈیپینڈ یہ سمیع اللہ ملی پہ تھا ان کا، رانا صاحب یہ مجھے بھی نہیں ابھی تک پتا کہ کل کس کا میچ ہے، مجھے نیکسٹ کا بھی نہیں پتا ابھی تک، وہ شیڈول آج ہی انہوں نے بنایا ہے وہ جو ہی پتا چلے گا انشاءاللہ ای ڈس کا پیج پہ آپ کو پورا شیڈول جو ہے نا مل جائے گا کون سے دن کس کس کا میچ ہے، چوتھا اشر جمیل صاحب آپ کا بھی شکریہ، اور میرا نام آصف سیٹھی ہے، میرے والد صاحب ہیں ان کا نام جمیل سیٹھی ہے، پھر بھی آپ کا بہت شکریہ، آپ یہ پوسٹ اگر یہ دیکھ رہے ہیں میں آج تو اس کو شیئر کریں اپنے فرینڈز میں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے ڈسکا کے لوگوں کا یہ ایونٹ دنیا دیکھ سکے، عثمان خالد اور یہ وائٹ بال ہے، چوتھا اوور جاری، 59 سکور 59 ایم پی 11 ان کے مقابل چیئرمین بن گیا اور 59 سکور، چوتھے اوور کا کھیل جاری اور یہ فیلڈنگ کرنے میں ناکام رہے محترم چودھری احمد چاو اور 4 رنز کا سکور میں اضافہ ہو گیا، شاید گیند پہ اتنی انرجی تھی آپ لوگوں کے کمنٹس اور آپ لوگوں کی اسٹرینتھ ہی میری اسٹرینتھ ہے، آپ حوصلہ افزائی کرتے ہیں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، میں سب دوستوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ لنک شیئر کریں اور اپنے فرینڈس کو بھی انوائٹ کریں، یہ پورے 20-25 دن چلتا رہنا ہے پروگرام، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو میں ایک آدھا میچ ضرور میں دکھاؤں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس پوسٹ کو، اگر یہ ایسی کھیلتے رہیں گے تو مجھے مدد خط آگے سب ایک شیر کہنا پڑے گا، تمہارا یوں کھیلنا تمہیں شکست نہ دلا دے، تمہارا یوں کھیلنا تمہیں شکست نہ دلا دے، اگر جیتنا ہے تو کوہرام مچا دو، انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ میں سارے میچ ہی دکھاؤں، یہ ٹوٹل 85 میچز ہیں تو میری کوشش ہوگی کہ پہلا راؤنڈ اگر لیگ میچ میں نہیں دکھاتا تو اگلے راؤنڈ جو ہے نا جو ناک آؤٹ پہ آئے گا وہ میں ضرور دکھاؤں گا انشاءاللہ، ان میں بھی میں کوشش کروں گا جو اچھے میچ ہوں وہ میں آپ کو دکھاؤں، آگا شہر کے ساتھ بھرپور وکیلوں کا راج، سٹیڈیم کے وکیل موجود اپنے دستگاہ کے عوام کے ساتھ،
دسکا کے عوام کی دل جوئی کرتے ہوئے زبیر صاحب شروع صاحب آپ اس لنک کو شیئر کریں بہت ہی قیمتی وقت دسکا کا یہ پازیٹیو ایونٹ پوری دنیا میں شیئر ہو آپ شیئر کریں اس کو انوائٹ کریں اپنے فرینڈز کو زیادہ سے زیادہ تاکہ یہ پازیٹیو ایونٹ پوری دنیا میں دیکھا جا سکے آپ کی حوصلہ افزائی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں تائید کرتا ہوں آپ صاحب کا شکریہ ظہیر صاحب بہت بہت آپ کا شکریہ میں اس وقت آپ کے کمنٹس لکھ نہیں سکتا بول سکتا ہوں ان کا ایک الگ سے اظہار ہوا کرتا ہے اور میرے پاس جانچنے کے لیے افضل صبور صاحب شکریہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرا یہ فرض ہے آپ لوگوں کو یہ اس کو دکھاؤں میں اپنا ڈسکا اپنا شہر پازیٹیو آپ لوگوں کو دکھاؤں تو انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ میچز میں آپ لوگوں کو دکھا سکوں یہ آج چونکہ افتتاحی میچ ہے اس لیے آپ کو تھوڑی سی یہ کنفیوژن نظر آ رہی ہوگی اسکرین پہ یہ ایک نمائشی میچ ہے باقاعدہ جو ڈی پی ایل کے میچز ہیں وہ اس کے بعد سٹارٹ ہو جائیں گے ریگولرلی اس میں یہ ڈسپلن نہیں ہوگا جو جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک نمائشی میچ ہے جس میں ہر بال پہ یا ہر اوور پہ اسکور کا پرابلم آ جاتا ہے کہ اتنا نہیں اتنا ہے تو باقی میچز میں قوانین بہت سخت ہیں ایسے ہی ہیں جیسے آئی سی سی کے قوانین ہیں اس سے حوالے سے قوانین ہیں تو یہ چونکہ نمائشی میچ ہے اس لیے کافی ایزی لے رہے ہیں امپائر بھی اس لیے بار بار یہ میچ رک جاتا ہے سکور کے ڈسپیوٹ پہ جلدی شروع کریں جی اپنا امپائر آپ کے پاس بہت سے اختیارات ہیں آپ ان کا استعمال کرتے ہوئے میچ کو جلدی شروع کریں نہیں تو کاس مغل صاحب میری پوری کوشش ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اچھی کروں کوریج جو انشاءاللہ تعالی ہوگی مزید بہتر ہوگی آپ لوگوں کے تعاون سے کوئی مسئلہ ہو آپ ضرور کمنٹ کریں تاکہ میں اس مسئلے کو دور کرنے کی پوری کوشش کروں آپ سے یہ ملتمس ہوں کہ آپ پہلی جو ہمارے ایم پی 11 کے یا چیئرمین 11 کے ہیں ان سے کوئی ریمارکس لے ان کے وہ کس طرح کھیل رہے ہیں انہیں فتح صاحب آ رہے ہیں میرے پاس آج وکیلوں کا راج ہے نواز شریف اسٹیڈیم ڈسکا میں یہ میچ یہ ایونٹ سارا چل رہا ہے اور یہ ابھی سکس میرا خیال نہیں پکڑ سکے اپنی ٹیم کو سپورٹ کرتے ہوئے خواجہ صاحب احمد بڑھائے جب سے وہ خاطی گجرات کائنڈلی بتایا میں کچھ آپ کے اوپر تھا ملی صاحب یہ آپ کے اوپر تھا آپ پہ اتنا بوجھ کیوں نہ اٹھا سکے آپ تو بہت بڑھیا پلیئر ہیں بڑے جبروت طریقے سے جم کر کھیلتے ہیں میں سامنے سیڑھی پر بجوں اصل میں وجہ یہ ہے کہ آپ نے وکسٹ کر لی ملک صاحب یہ آپ اتنی آسانی سے آؤٹ نہیں کیا جا سکتا تھا آپ کو آپ نے باہر کا ٹورنامنٹ جیتا وہ بھی آپ کو اس پر میں مبارکباد لیکن آپ سے ہم کچھ آنا چاہیں گے یہ سکس ہے کافی اوپر اونچی گیند ہے اور نیچے کیچ کی ٹرائی کر رہے ہیں لیکن چار ہے عمران بٹ صاحب نے کیچ ڈراپ کر دیا کیچ ڈراپ ہو گیا عمران بٹ صاحب یہ کیچ اگر پکڑا جاتا تو میچ جیتنے کے کافی زیادہ چانسز تھے کیچز ود میچز آسان ہوتا ہے یہ کسی زمانے میں بہت بڑے پلیئر تھے لیکن یہ زمانہ کب کا گزر گیا لیکن آج ان کی یہ بھی بڑی بات کہ یہ کروڑ پہ بجے 74 بہت اونچی شاٹ یہ مڈ وکٹ کی طرف کھیل دی ہے اور یہ بھی فیلڈر موجود ہے اور اس نے بال بڑی مشکل سے پکڑی ہے میچ ہو رہا ہے وارڈ نمبر 2 کے ساتھ ایک سیکنڈ سر زوم کروں گا تو یہ موبائل ہے زوم آؤٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر میں واپس نہیں یہ کوئی پروفیشنل کیمرے نہیں ہیں جن کے ساتھ یہ میچ بن رہا ہے زوم کروں گا تو میچ میں ٹوٹل آؤٹ ہو جائے گا اس وقت میں گراؤنڈ کے اندر بالکل 10 یا 15 گز کے فاصلے پہ کھڑا ہوں جہاں سے کوریج یہ کر رہا ہوں اور یہ بڑی اونچی شاٹ لگائی ہے اور یہ بھی مجھے نظر آ رہا ہے کہ اور یہ کیچ ڈراپ ہو گیا کیچز ڈراپ ہونے سے یہ میچ لوز کر سکتے ہیں مجھے محسوس کر رہا ہوں کہ جیسے میچ چھوڑ رہے ہیں
ظاہر اقبال صاحب یہ نمائشی میچ ہو رہا ہے ایم پی ایل امن اور چیئرمین بلدیہ ڈسکا لیمن کا, اس کے بعد ڈی پی ایل کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا. تماشائی کھچا کھچ گراؤنڈ اسٹیڈیم بھرا ہوا اس وقت اسٹیڈیم میں تقریباً 10 لاکھ کے قریب لوگ موجود ہیں. آگا صاحب بکلا کے اوپر پہلے ہی بہت سے سوالیہ نشان ہے, آپ مہربانی کریں. سڈنی کی یہ میچ جیو سپر میں لائیو دکھایا جا رہا ہے. تماشائیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد تقریباً 10 لاکھ کے قریب احمد بڑا چیئرمین بلدیہ 11 کا سکور بڑھتا ہوا 77 یعنی کہ 77 5 اوور گزر گئے. یہ آج اوپننگ ہوئی ہے, اس کے حوالے سے انہوں نے ایک نمائشی میچ رکھا ہوا ہے. آپس میں ایم پی اے 11 کی ٹیم ہے اور چیئرمین 11 کی ٹیم ہے. اس کے بعد باقاعدہ ڈی پی ایل کے جو میچز ہیں وہ سٹارٹ ہو جائیں گے اور باقاعدہ یہ ٹورنامنٹ جو ہے پریمیئر لیگ جو ہے وہ باقاعدہ چلتی رہے گی. لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ جب کوئی ٹیم محسوس کرتی ہے کہ میں اپنے ہدف کو اچیو کرنے میں یا بالنگ اچھی نہیں یا بیٹنگ میں ہدف نہیں پورا کر رہی تو پھر آپس میں جو سرا مشورے ہوتے ہیں وہ زیادہ ہو سکتے ہیں. لیکن اگر انہوں نے 25 کے جو بھی کپتان ہے وہ کمنٹری باکس میں تسلیم لے آئے, ان کا متعلقہ کاؤنسلر جوہری وفاق قاسم صاحب 25 کے کیپٹن کو آگا صاحب اگر انہوں نے زیادہ ٹائم لیا مشورے پہ تو پھر انہیں جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. جی کم از کم 10,000 روپے پر بال, لیکن وہ کمنٹری باکس پہ یہاں پہ جمع ہوگا. ہم دونوں مانو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے کیسر صاحب, کیسر امتیاز صاحب آپ اپنی وارڈ میں تب کنسرن کرتے رابطہ کرتے جو ٹیمیں بنا رہے تھے, تبھی تو ٹیمیں میں ان کی فائنل ہو گئی ہیں, پلیئرز فائنل ہو گئے ہیں, نیکسٹ ٹائم پہ آپ رکھیں. آپ جی جی یہ ڈسکا یو سی نہیں ڈسکا میونسپل کمیٹی کے جو 30 وارڈز ہیں ان کی 30 ٹیمیں بنی ہوئی ہیں, جو ونر ہوگی اس کو 11 بائکس دے رہے ہیں, جو لوزر ہوگی فائنل کی اس کو عمران بٹ صاحب آئے ہیں اور ان کو بہت اچھا یہ 6 ہے اور یہ 6 ہو گیا عمران بٹ کو پہلی ہی گیند پہ. جمشید گل نے پہلی ہی گیند پہ آغا عمران بٹ کو 6 لگایا ہے. وارڈ نمبر 25 کی ٹیم جہاں کہیں بھی ہے وہ پویلین باکس میں تشریف لے آئے. 6 اوور کا کھیل جاری, گیند کچھ باقی 83 رنز, 133 کا پہاڑ ثابت, لیکن ساری نظریں اس 6 اوور کے اوپر, 6 اوور کے اوپر کیونکہ 6 اوور فیصلہ کرے گا باقی 2 اوور کا اسکور کا. محترم عمران بٹ صاحب کھیل رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے موجود. ہاں مجھے اگر گراؤنڈ میں ہیں تو دیکھ بھی سکتے ہیں, میں بالکل بیٹسمین کے پاس کھڑا ہوں. عمران بٹ صاحب کی دوسری گیند اور مکمل طور پر بیٹ کر دیا, بہت بڑی بولی یہ گیند. بہت اچھا خالد صاحب نے عمران بٹ صاحب کو مشورہ دیا اور دوسری گیند پلیٹ شمشنی میں مکمل. یہ کونسلر ہیں جمشید گیل صاحب, اقلیتی کونسلر ہیں, انہوں نے 6 لگایا تھا. عمران بٹ صاحب بال کرا رہے ہیں اور یہ جمشید گل صاحب نے ادھر ہی بالکل کھیلا ہے اور یہ فیلڈ ہو گئی ہے, ایک سنگل لگی ہے. وارڈ نمبر 23 کے جتنے بھی پلیئر ہیں وہ کمنٹری باکس میں تشریف لے آئے. آٹھ اوور کا میچ ہے یہ. ایم پی اے صاحب اپنی ٹیم کو پوری طرح سپورٹ کر رہے ہیں, وائٹ کا اشارہ, پوری طرح اپنی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں. چلو ایم پی اے صاحب چیئرمین صاحب کو گراؤنڈ سے باہر بھیج رہے ہیں کہ یہ غلط ہے. ویری گڈ, بہت اچھی بال کرا دی لیکن یہ وائڈ ہو گیا. کیسر صاحب مجھے ابھی نہیں پتا وارڈ نمبر 23 کا, پورے شیڈول کا مجھے نہیں پتا, لیکن میں آپ کو ضرور بتا دوں گا. آؤٹ
और बहुत ऊंचा सिक्स लगाया है, बहुत लंबा बड़ा सिक्स है। कोई भी खिलाड़ी कोई भी हार तो भी नहीं रहे, लेकिन ऐसे सिक्स लगेंगे एक ओवर में तो हार भी सकते हैं है, और वो गेंद किसी को पकड़ ही नहीं देता। एमपीएस साहब फील्डिंग कम कर रहे हैं और जो ग्राउंड के अंदर लोग हैं उनको बाहर कर वाइड नहीं है, ये डॉट बॉल होगा। बैट्समैन बॉल को समझ ना सके, खिलाड़ी कभी अपनी जो उसका जो खिलाड़ीपन है जहीर साहब, इंशाल्लाह मैं शेड्यूल आपको बता दूंगा, अभी मुझे बिल्कुल शेड्यूल का नहीं पता। ये है बहुत शानदार शॉट है, सीधा स्ट्रेट फील्डर के पास है, और ये चेयरमैन लेवन की तरह से बड़ी अच्छी बॉलिंग का इस वक्त सबूत है कि कोई सिक्स नहीं पड़ा है। छियानवे ओवर हो गया, छह ओवर हो गए हैं और 133 स्कोर करना है, यानी कि 12 गेंदें बाकी, 12 गेंदों में इन्हें ये 33 और 47। जी इंशाल्लाह मैं जरूर ईडस्का में शेयर करूंगा शेड्यूल लेके, कल ट्राई करूंगा मुझे शेड्यूल मिल जाए सारे मैचेस का, तो मैं ईडस्का पे आप लोगों को सबको शेयर करूंगा। ओहो ब्रेक डाउन हुआ है, लेकिन फिर दोबारा आ गई है लाइट, लाइट की आंखों छोड़ जारी, लेकिन स्टेडियम को रोशनी विशेषता जगमगाता हुआ, रात किस पहर रात किस तरीके में स्टेडियम जगमगा उठा, इसमें जितने जो मैनेजमेंट है जिस तरीके से ये प्रोग्राम पूरा ऑर्गेनाइज किया गया, इजाज़ साहब आप इसको शेयर भी करें और अपने दोस्तों को इनवाइट भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये इवेंट देखें, अपने दोस्तों को इनवाइट भी करें अगर आपने शेयर किया है। ये बहुत अच्छी बॉल है लेकिन वाइड है, लेग स्टंप की तरफ जाती हुई वाइड बॉल हुई है। अदनान यूसुफ साहब बॉलर हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग भी की है, उस्मान खालिद साहब सिख के साथ बहुत अच्छी बैटिंग की। आउट है भाई, मैं पिछले 3 घंटे से खड़ा हूँ और खड़े होके घूम के मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये सब सिर्फ आप लोगों के लिए, और आप लोगों के अचीवमेंट्स आते हैं तो मेरी थकावट भी दूर हो जाती है। ये बीट कर दिया, कम्प्लीटली बीट की है, तो आपकी अप्रिसिएशन ही मेरी थकावट ख़त्म कर देती है। लेकिन मैं पिछले 3 घंटे से शायद आप देख रहे हो मैं लाइव प्रोग्राम कर रहा हूँ और घूम फिर के एक जगह खड़ा भी नहीं रहा जा सकता। ओ ये वाइट बॉल लेग स्टंप की तरफ की है, फिर भी 37 के करीब स्कोर, 3 वाइड हो चुके। इम्तियाज भाई आप लोगों की कोशिश ही है, जो व्यूज आप देख रहे हैं 37 वेरी गुड। बैट्समैन काफी मुश्किल लगते हैं, किसी देखता होगा कहीं 4 रन तो नहीं, अगर खिलाड़ी रोक लिए उन्होंने तो फिर भी उपाय नहीं कर सकते। हमारी इस वक्त सारे सीनियर कोच रात और चेयरमैन रात चैंपियन रात के सारे परिश्रम केंद्र हैं, जितनी सच वो जो मैदान का जो बच्चों में होता है एक दूसरे से झगड़ना है बार बार पे बार बार पे, नहीं दो स्कोर हुए हैं पीछे, फील्डर मौजूद था और ये कम्प्लीटली बीट किया लेकिन वाइट बॉल दे दी एम्पायर ने। दो गेंदे बहुत अच्छी शॉट लगाई है, ये फील्डर के हाथ में एक रन नहीं मिला, लंच एक से पहाड़ जैसा हदफ पूरा नहीं किया जा सकता।
चेयरमैन 11 को इस बात की मुबारकबाद कि उनका स्कोर 100 में हो गया। माशाल्लाह 100 का हिस्सा इन्होंने अबूर कर लिया। सीधा फील्डर के पास हुआ और ये फोर हो गया, फील्डर बीट हो गया और ये चौका हो गया। सादी भट्ट साहब अगर आप देख रहे हैं तो इसको शेयर भी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये मैच देखा जा सके। अदनान यूसुफ साहब बॉलर हैं और बैट्समैन जमशेद साहब जो उन्होंने लीड कर दी। आठ ओवर का मैच है और ये गालबन सातवां ओवर है, एक ओवर हो रहा है बस। अंपायर का फैसला वेरी गुड, बहुत अच्छी बॉलिंग फील्डिंग की सब बाहर दे गई। एक अंपायर को देख रहा होगा इस वक्त टिकट के बैठ गए ओवर खत्म 100 105 125 133 जीत के लिए दरकार। खेलना होगा अभी, खेल बाकी है अभी, खेल खत्म नहीं हुआ, कुछ भी हो सकता है। 132 एमपी 11 ने किए हैं, 28 गोल चाहिए और आखिरी ओवर है मेरा ख्याल। तमाशाई यहाँ पर कुछ दोस्त आए हैं, 28 स्कोर जीतने के लिए चाहिए। इस्तेमाल की जा रही है, कह रहे हैं कि जिस तरह चेयरमैन ने किया इसी तरह हम चाहते हैं कि एमपीए 10 का खुद ओवर करवाने के लिए आए, ये फरमाइश है। अब आपकी तरफ से भरपूर फरमाइश के आखिरी ओवर एमपीए साहब खुद करवाएं ताकि मैच का भरपूर मजा आए। फैसल भाई वेलकम, आप इसको शेयर भी करें, इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में ताकि वो भी मैच देखें। स्कोर बुक के मुताबिक पहले लाडला मलिक साहब आप भी इसको शेयर करें। 125 स्कोर किया था हमारे पास टोटल मौजूद, किसी कंफ्यूजन का शिकार होने के बावजूद कमेंट्री से रब्ता किया जा सकता है। स्कोर के जराए हमारे पास मौजूद 132 रन पहले इनिंग में, अभी दूसरी इनिंग जारी, खेल खत्म नहीं हुआ, आखिरी ओवर का खेल बाकी, 6 गेंदों की चुनौती बाकी है। वार्ड नंबर 8 और 21 खिलाड़ियों से गुजारिश है कि इनकी क्लास करवा दी जाए, इनसे रब्ता कर लिया जाए। 6 गेंदे बाकी है, आगे सब क्या प्रेडिक्ट किया जा सकता है? आप कितना स्कोर बाकी है जी? 28 स्कोर, 28 स्कोर। अगर एमपीए साहब करवाते हैं तो इंशाल्लाह हमारी चेयरमैन 11 जरूर जीते। लेकिन आपको ये रियाज खान साहब, राणा जुनेद जी आप भी पोस्ट को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये इवेंट देखें। हाफिज फरहान मुगल साहब आपका भी शुक्रिया, आप देख रहे हैं लेकिन आप भी इस पोस्ट को शेयर करें अपने दोस्तों में, बड़ा अच्छा इवेंट है डस्का का। ये अभी आज नुमाइशी मैच है एमपीए 11 और चेयरमैन बल्दिया डस्का 11 का, इसलिए ये इतना सीरियस नहीं लिया गया, इसके जो रूल्स हैं वो सख्त हैं, जो कल से इंशाल्लाह बाकायदा आगाज होगा। इमरान बट साहब यहाँ पे स्कोरर मौजूद है, जब पहले मेरी गुजारिश है कि जब पहली मैच चुके कमेंट्री सिर्फ उसकी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, लेकिन एमपीए साहब पूरी तरह भरपूर, भाई आप सुन ले जरा, पहली जोर लगा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं अपनी टीम को, खुद भी थर्ड मैन की पोजीशन पे फील्डिंग कर रहे हैं। स्कोर जराई ने भी बताया था, वो 125 स्कोर उन्होंने बताया था, उसको मैंने अनाउंस भी किया था। खाजा साहब पहले जो मैंने अनाउंस किया था, खाजा साहब ये स्कोर यहाँ पर मौजूद है, इन्होंने लिखा था, लिखा इन्होंने था जी। युग खान साहब वेलकम, आप इसको शेयर भी करें और देखें भी, ये मैच बड़ा मजे का मैच इस वक्त पोजीशन में है, आप इस पोस्ट को शेयर करें अपने दोस्तों में ताकि ज्यादा से ज्यादा मैच। अली रजा साहब इसलिए रुका हुआ है कि लास्ट ओवर है, 132 किया था एमपीए 11 ने,
तो अभी मेरा 28 है लास्ट ओवर में, वो कह रहे हैं बैलेंस रह गया है। तो 132 टारगेट, 133 का टारगेट है। एमपीए साहब की आपको शायद आवाज़ आ रही हो, उन्होंने कहा कि 133 रन का टारगेट है, जिसकी वजह से मैच रुका हुआ है। भाई जो स्कोर बुक है, जी कमेंटेटर साहब प्लीज जरा मेरे साथ ट्राई करें, स्कोर बुक क्या कहती है कि 6 बालों में क्या स्कोर चाहिए? बहुत शुक्रिया हम युवा साकब साहब कि आपने शेयर किया, अपने दोस्तों को इनवाइट करें, इसमें लाइक करें, आप देखें। खुशगवार मूड पे आगा साहब, खुशगवार मूड पे जहां पर स्कोर पर चेक किया जा रहा है। वेरी गुड जमीला बली, उससे माइक छीनते हुए इस मैच में जो जब तक ये मैच रुका हुआ, मैं आपको चांद दिखाता हूँ, बहुत खूबसूरत चांद है, उसके साथ शायद तारा भी आपको नजर आ रहा हो। वेलकम मतलब सियाल साहब, आप भी इसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा दोस्त ये देख सकें इवेंट। अभी पता नहीं क्या प्रॉब्लम बन गई है इनकी, सब आपकी दुआएं हैं खान भाई, आप दुआ करते हैं तो मुझ में हिम्मत आती है। अभी आपने जो कहा है मुझ में बहुत ज़्यादा हिम्मत आ गई है, हालांकि मैं पिछले तकरीबन 3.5 घंटे से खड़ा ये लाइव मैच कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों का प्यार है, मोहब्बत है जो मुझे देते हैं, तो मैं मुझ में समझने सारी थकावट ही मेरी ख़त्म हो जाती है जब मुझे ऐसे कमेंट्स मिलते हैं, और यही मुझे चाहिए बस, मेरे डस्का के लिए अच्छे से अच्छा काम हो, अच्छे से 6 इवेंट हो। जो अंपायर है उनको भेजा जाए इलियास मुगल साहब, वही आ रहे हैं, वही आ रहे। अलियास मुगल साहब, जनाबे अली मैं आपसे मुल्तवी हूं, चेयरमैन बल्दी अलस्का, चेयरमैन बल्दी अलस्का पूरा तरीके के साथ स्कोर के मसले को हल करने के लिए खुद यहाँ पर तशरीफ लाए। मियां साहब, मियां साहब, जिन्नी देर खलोता तुसी जरा सुन लिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर साहब, व्यूअर इस वक्त मेरे साथ मियां मोहम्मद अशरफ साहब हैं काउंसलर, मैं उनसे ये व्यूज लूंगा। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, क्या कहेंगे इस इवेंट के बारे में आप? जी ये बड़ा अच्छा इवेंट हो रहा है, नौजवान नस्ल के लिए मैदान आबाद हो रहे हैं, अस्पताल विरा होंगे इंशाल्लाह, और चेयरमैन बल्दिया और उसके साथी और उसकी पूरी टीम जो है वो ये मैचेस करवा रही है, और इसमें हम बाबा की खालत साहब के मशहूर हैं कि उन्होंने ये मैच जो है करवा रहे हैं। ठीक है जी, जी सर। हाँ, और डस्का के नौजवान नस्ल के लिए क्या कहेंगे? डस्का के नौजवान जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं,
और वो हीरोइन और ये चर्स वगैरह से बचेंगे हैं जी, आबाद होंगे हमारे मैदान, आबाद करेंगे, आबाद होंगे इंशाल्लाह, आबाद करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया हाजी रहमतुल्लाह साहब से करवाएं जी। हाजी साहब शेर रहमतुल्लाह साहब है मेरे साथ, इनका बेटा यूथ काउंसलर है, उनसे भी मैंने लिया जी। हाजी साहब क्या कहेंगे आप? जनाब ये जो आज का मैच है आखिरी ओवर है, ये डिस्को वालों के लिए एक बेहतरीन तफरी है और हम चाहते हैं ये इस तरह के इवेंट जो होने चाहिए, इस तरह जो मैदान जो है वो आबाद हो गए और अस्पताल वीरान हो गए इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह ताला मैं डस्का की इंतजामिया और बाबा जी खालिद मदनी का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये बहुत अच्छा प्रोग्राम कराया। अल्लाह बहुत शुक्रिया। 30 स्कोर चाहिए 19 बराबर के लिए और 20 जीत के लिए। आखिरी ओवर में 20 स्कोर का 900 हो रहा है, 19 बराबर के लिए और 20 जो है ना जीतने के लिए। और मेरे इस वक्त सिस्टम की बैटरी भी बिल्कुल लो है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं इसको स्टॉप कर दूं या क्या करूं। एक घंटे का मैच इन लोगों की वजह से दो घंटे से ज्यादा का लंबा हो गया। 28 स्कोर वो गलती की हुई, लेकिन जो स्कोर 6 गेंदों पर चाहिए वो 20 स्कोर है। हाँ सब ऐसा ही मुझे भी फील हो रहा है। एक्चुअली ये नुमाइशी मैच है इसके लिए ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरा ख्याल दूसरे मैचेस में ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। ये बिल्कुल मजाक में एमपीए साहब भी और चेयरमैन साहब भी ले रहे हैं। अभी 20 रन का इन्होंने लास्ट ओवर में बताया कि 20 रन चाहिए ये सारी टीम। जब तक फैसला नहीं होता मेरे साथ बैट्समैन हैं जमशेद सकीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आखिरी ओवर 20 रन, हाँ जी, क्या उम्मीद है इंशाल्लाह स्कोर हो जाएगा? इंशाल्लाह आप करेंगे, यानी आप पूरे अग्रेसिव हैं। 20 रन आप सही दर हैं, ये इस एंड में है। अच्छा अच्छा सही है। खेलते हुए जरा थोड़ा सा टाइम जरा ओवर हो गया, नहीं तो अगर पुराना क्रिकेट होती तो 30 भी कर सकता। हाँ इंशाल्लाह, ये टेम्पो टूट गया आपका दोबारा इसके बाद। नहीं जो मैं पहले खेलता रहा हूँ उसके मुताबिक जो है ना, अगर फिर मैंने 30 भी कर जाना। अच्छा अच्छा ये चले सर, बेस्ट ऑफ लक। ये मेरे साथ बैट्समैन थे जो इधर फेसिंग एंड पे होंगे, लेकिन अब पता नहीं क्या है, मैच शुरू होगा नहीं होगा या क्या करना चाहते हैं। मेरी सेल की बैटरी भी और चार्ज की बैटरी भी बिल्कुल एंड पे है। मुझे अब ये टेंशन है कि ये कहीं सेट मेरा बंद ना हो जाए। पहले बैटिंग की दावत दी है, पहले मैच का मसला हल कर लें। स्कोर का मसला दोनों टीमों के कप्तान नाराज। जी व्यूअर्स, मुझे लगता है कि ये मैच एक ओवर बाकी रह जाएगा, जिसकी वजह से मेरी तो कोशिश है कि मैं इसको बंद ना करूं, लेकिन मेरा सेट जो है इसको का जवाब दे रहा है, जिसकी वजह से मैं इसको अब ट्रांसमिशन को बंद कर रहा हूं। और इंशाल्लाह आपको कल मैच जो भी होगा मैं उसका शेड्यूल जो है ना आपको दूंगा, ठीक है? तब तक के लिए मुझे व्यूअर्स इसकी इजाज़त दें, इस ट्रांसमिशन को मैं एंड कर रहा हूँ क्योंकि मैच जो है तकरीबन बंद हो गया है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज। हाफिज क्लीम साहब आप भी ग्रेट हैं, आप इसको जरूर शेयर करें, मैं अब बंद कर रहा हूँ। 6 बॉल में 28 रन,
लेकिन चूंकि छह बॉलें थी वो एक 28 था, कोई नजर नहीं आ रहा किसी किस्म का मुझे इसका हल, इसलिए अभी मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।